नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पे मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, इसके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में एक छोटा सा बात समझिएगा कि एटमॉस्फेयर जिस भी ग्रह पे है, जैसा कि हमने प्लैनेट्स के बारे में बात किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि मर्क्यूरी के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर जिस भी ग्रह के पास है उस ग्रह में एटमॉस्फेयर उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, यानी कि उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि एटमॉस्फेयर किसी भी ग्रह से क्यों है, या फिर अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर क्यों है, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होइएगा, कोई भी ऐसा इंग्लिश का इसमें वर्ड नहीं लिखा हुआ है जो आपको परेशानी खड़ा कर दे। आप बस डर करके भागते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डर के भागना नहीं है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें आपको परेशानी होगा, लेकिन हम फिर भी हिंदी में बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ी हुई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम का आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में छोटा सा अलग बात करते हैं। देखो, एटमॉस्फेयर क्या है कि एटमॉस्फेयर में हमारे हम जो देख रहे हैं हमारे वातावरण में, इसमें गैसेस पाए जाते हैं, वाटर वेपर पाए जाते हैं, या फिर इसमें पार्टिकुलेट पाए जाते हैं बहुत सारे, आप इस बात को जानते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताऊं कि मैंने कहा कि आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर पाए जाते हैं। वाटर वेपर पाए जाते हैं, ये बात सही है। कैसे सही है, तो इसको अगर जांचना है आपको, तो आपको करना क्या है कि एक ठंडा बोतल एकदम बिल्कुल फ्रीज में, या फिर फ्रीज के ठंडे बोतल का पानी लेकर के, और आप एक ग्लास में रखें, कोई सा भी ग्लास में आप रखें, जहां तक आप ग्लास में रखेंगे आप क्या देखेंगे, ग्लास के बाहर पानी जमने लगा है। ग्लास के बाहर क्या जमने लगा है, पानी, पानी की बूंदे, छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर का, वाटर ड्रॉपलेट आपके ग्लास पे आपको दिखाई देगा। ऐसा क्या है, ठंडे पानी ग्लास में रखने के बाद वाटर ड्रॉपलेट दिखाई पड़ता है, क्या ग्लास में कोई छिद्र है, क्या ग्लास में कोई ऐसी बात है जो पानी रिस रहा है अंदर से, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ड्रॉपलेट क्यों दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो ठंडा पानी आपने उस ग्लास में रखा है वो अपने ग्लास के आसपास के जो सराउंडिंग है, जो ग्लास में जो एयर टच कर रहा है, उस सराउंडिंग को उस टेम्परेचर तक ले आया है कि वहां पे कंडेंसेशन हो गया है, और जो भी उसके सराउंडिंग में वाटर वेपर है उस ग्लास के सराउंडिंग में, वो ग्लास के बाहर में ड्रॉपलेट की तरह जम जाते हैं। यानी कि उसके टेम्परेचर इतना कम है कि वो वायु को, यानी कि विंड को, हवा को, अपने एटमॉस्फेयर को कंडेंस कर दिया है। छोटा सा एटमॉस्फेयर, ग्लास के चारों तरफ छोटा सा एटमॉस्फेयर होगा, उस छोटे से एटमॉस्फेयर को कंडेंस कर दिया, और जो भी वहां पे मौजूद वाटर ड्रॉपलेट है या पानी है वो उस ग्लास में बूंदों की तरह दिखाई पड़ने लगता है। तो इससे यह पता चलता है कि आपके वायुमंडल में, आपके वातावरण में वाटर वेपर मौजूद है। ये बात समझ में आ गया ना, किस लिए, ठीक है। तो वाटर वेपर अगर आपके वातावरण में मौजूद है, तो आप यहां पे देखेंगे कि वाटर वेपर कितने परसेंट होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वाटर वेपर का परसेंटेज कैसा वातावरण है। वैसे 0-4% हम लोग मानते हैं कि वाटर वेपर मौजूद रहता है आपके वातावरण में। जीरो लिखना थोड़ा सा यहां पे मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन आपके किताबें इस सपोर्ट में रहता है। तो मेरे से अगर पूछेंगे और एग्जाम के क्वेश्चन, दो पॉइंट यहां पे, मेरी नॉलेज और एग्जाम के क्वेश्चन दोनों को अगर हम मिला दिए, तो आपको लिखना चाहिए 4%, केवल 4%, यानी कि आपके वायुमंडल में 4% तक वाटर वेपर मौजूद रहता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा है कि वाटर वेपर कितने परसेंट होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, तो 4% होता है। देखिए, जो भी मैं बात बोल रहा हूं उसको बड़े गौर से समझिएगा, बड़े प्यार से समझेंगे, और चीजों को नहीं हो तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आपने कितने बार करा है वाटर वेपर का प्रैक्टिकल, जब पेप्सी कोला जो भी आप परचेज करते हैं उसको जब आप ग्लास में डाल करके उसको पीते हैं, तो किस तरीके उसके चारों तरफ जो है ना जम जाता है। बाकी और दूसरी चीज, दूसरे लोग दूसरे पीते होंगे तो उनका अपना अनुभव होगा, खैर चलिए अलग बात करते हैं। तो कंपोज्ड ऑफ गैसेस वाटर वेपर पार्टिकुलेट है जो कि आपके वातावरण, आपके एटमॉस्फेयर का निर्माण करता है। इसमें भी जब गैसेज की बात आते हैं, वाटर वेपर समझ में आ गया ना, 4% है, इसको समझिएगा। इसमें भी जब गैसेज की बात करते हैं, तो हमें यहां पे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस दिखाई पड़ता है, और यह भी क्वेश्चन एग्जाम का आपको पता है, और बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं कि भाई यहां नाइट्रोजन
हाइड्रोजन जो है ना आपके एटमोस्फेयर में मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। ये बात भी आप जानते हैं कि ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है, और ये दोनों मिलाकर के 7 1 8 1 9 7 2 9 यानी कि दोनों मिलाकर के 99% आपका क्या कर देता है, एटमोस्फेयर को तैयार कर देता है। बाकी 1% में बाकी सारे गैसेज है। यहाँ पे आपको गलती कहां आपसे हो जाएगा, यहां गलती हो जाएगा आर्गन और CO2 में। आपको लगेगा कि CO2 ज्यादा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ये परसेंटेज थोड़ी डालेगा, वो तो बस नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन और CO2 डाल देगा और बोल देगा इसको अरेंज करो, या फिर इन चारों में सबसे कम कौन सा परसेंटेज वातावरण में, यानी कि को ऑप्शन बना देगा ए बी सी, और क्वेश्चन क्या रहेगा वो बताता हूं। क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा गैस है जो मिनिमम है आपके एटमोस्फेयर में, और ऑप्शन निम्नलिखित ऑप्शन में से, निम्नलिखित जो दिए गए हैं चार ऑप्शन उनमें से, तो सबसे कम CO2 है, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं CO2 तो ज्यादा है, तो आप आर्गन टिक करके आ जाएंगे और आपका गलती हो जाएगा। ये बहुत बच्चा किया है ऐसा, क्योंकि चूंकि पढ़ाते पढ़ाते हमारा अनुभव है, बच्चों से क्वेश्चन पूछ पूछ करके हमारा अनुभव है कि बच्चों के मन में क्या रहता है, तो इस बात को समझिएगा। तो CO2 आपके वातावरण में मात्र 0.03% है, CO2 से ज्यादा आर्गन है जो 0.93% है, इस बात को समझिएगा। तो जब CO2 0.03% CO2 है, और इतने में ही इतनी परेशानी चल रही है कि पूरा दुनिया CO2 को कम करने के लिए, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन उसको कम करना है, और जो वातावरण गर्म हो रहा है उसको हमको ठीक करना है, उसके बारे में हमको बात करना है, बहुत सारे पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है, और इसके ऊपर एक प्रोटोकॉल है जो एग्जाम का क्वेश्चन कई बार बना है। मैं चीजों को बड़े तरीके से लेके चलूंगा, एक एक क्वेश्चन एग्जाम का करते चलूंगा, ठीक है। तो इसके CO2 के ऊपर एक प्रोटोकॉल है जो एग्जाम का क्वेश्चन ही बना है, उस प्रोटोकॉल का नाम लिख दूं मैं, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है ना, जो जापान में क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि 1997 में आया था। ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहता है, ये क्योटो प्रोटोकॉल कहता है कि ओजोन का मॉन्ट्रियल है, ये क्योटो प्रोटोकॉल कहता है कि कार्बन के उत्पादन में कमी लाना है, जिससे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में, उसमें कमी आए, यानी कि कार्बन को के उत्पादन में कमी आए, जिससे एटमॉस्फेयर गर्म कम हो, गर्मी के कारण जो द्वीप डूब रहे हैं, समुद्री की स्तर बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें कार्बन का बड़ा योगदान है, तो इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन को कम करने की बात की गई है, इस बात को समझ लीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 कार्बन डिप्लीशन, कार्बन को कम करने की बात की गई है। चलिए ठीक है, एक अगला पॉइंट यहां पर देखते हैं, ये तो हो गया आपके एटमोस्फेयर में जो गैसेज मौजूद है वो, ये पॉइंट यहां पर हम लोगों ने बात कर लिया। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि एटमोस्फेयर का स्ट्रक्चर, यानी कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर है हमारे एटमोस्फेयर में, तो आप क्या देखें एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में, ये तो कंपोजिशन हो गया कि आप यहां पे ट्रोपोस्फेयर, यहां हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, मैं हिंदी में लिख देता हूं, क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, मध्यमंडल, मध्यमंडल, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर, इसको बोलते हैं आयन मंडल, आयन मंडल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कई बार क्वेश्चन आया कि इनमें से किस मंडल को थर्मोस्फीयर कहा जाता है, क्वेश्चन जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही आया है, समझ गए ना इंग्लिश वाले बच्चे, इसलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश आपको छोटा सा बहुत कठिन शब्द तो नहीं लिखा हुआ है, तो आप परेशान क्यों हो रहा है, ठीक है। चलो ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा मंडल का नाम थर्मोस्फीयर है, और चार ऑप्शन बना देगा हिंदी में, और क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल कर देगा, और जो इंग्लिश वाले बच्चे उसको ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो और आयनो कर देंगे, तो थर्मोस्फीयर लिख देगा इंग्लिश में ही और हिंदी में वैसे ही लिख देगा थर्मोस्फीयर, ऐसे करके। अब आपको जानना है कि ये कौन सा मंडल है, तो ये आयन मंडल है, और ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आया एग्जाम में, इसलिए मैं आपके साथ ऐसा शेयर कर पाता हूं, ठीक है। मैंने एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप हमारे बारे में अगर आप समझते हैं, तो मैं हजारों हजार क्वेश्चन मैं हमेशा तैयार रखता हूं, और हर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन हमेशा आपको बताते रहता हूं, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके पलट के देख लें, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, थर्मोस्फीयर आयन मंडल को कहते हैं थर्मोस्फीयर, ये एग्जाम का क्वेश्चन आया है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे।
उसके बाद पांचवी लेयर है एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। पांचवा क्या है? एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। तो ये पॉइंट आप यहां पे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नीचे का दो पॉइंट लिखा है होमोस्फीयर और हेटेरोस्फीयर। ये क्या है उसको हम बताते हैं कि 80 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है उसको होमोस्फीयर के अंतर्गत रखते हैं और 80 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई को हेटेरोस्फीयर। तो ये बात हम यहाँ पे मैप पे आपको दिखाएंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये सारे स्ट्रक्चर ज्यादा समझ में आएगा। पॉइंट दूसरा, सारे के बारे में हम कुछ ना कुछ बात करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसको हमको छोड़ना नहीं है। सबके बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, एग्जाम का पॉइंट बनाएंगे, मैप बना के दिखाएंगे। तो आपका क्या काम है, हमारे साथ मैप को ड्रॉ करना, ठीक है? उसके बाद जब एक एक पॉइंट हम सबके बारे में बताना शुरू करेंगे तो आप अलग से ट्रोपोस्फीयर लिख करके उसके बारे में बात करना आप शुरू कर देंगे एकदम सही तरीके से, अरेंज तरीके से, है ना? ये नहीं कि उसी में मैप में ही अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, अलग से लिखना शुरू कीजिएगा। तो हम यहां पे स्ट्रक्चर्स है, ये पहला लेयर है ट्रोपोस्फीयर का, दूसरा लेयर स्ट्रेटोस्फीयर का, तीसरा मेसो, चौथा आयनोस्फीयर का, पांचवा एक्सोस्फीयर का, और है होमोस्फीयर जो यहां पे लिखा मैंने, और हेटेरोस्फीयर, इसको भी बात हम यहां पे कर लेंगे, दोनों क्वेश्चन एग्जाम का हम यहां पे बना लेंगे। चलिए मैं आपको छोटा सा एक बनाता हूं, ठीक है? इसको आप ध्यान से आप रखेंगे। देखिए ये यहां पे हमने एक क्या बोलते हैं वायुमंडल का तस्वीर खींचा है। अमूमन बुक्स वगैरह देखेंगे तो आपको इसी तरीके से मिलेगा, अमूमन बुक्स में इसी तरीके से मिलेगा, कहीं कहीं अलग तरीके से भी है तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जगह इसी तरीके से मिलेगा। तो मैं आपको फैमिलियर तरीके से ही बात करूंगा, मैक्सिमम तरीके से। सबसे पहले हमने क्या कहा था, ट्रोपोस्फीयर। तो हम सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं, छोटा छोटा कलर चेंज करूंगा तो उसको लेकर के परेशान आप नहीं होंगे, ठीक है? तो मैं सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर के बारे में बात करूंगा। देखिए मैं ट्रोपोस्फीयर को कुछ इस तरीके से बनाता हूं। अब आप कहेंगे कि मैंने इसको तिरछा क्यों किया है, तो इसके पीछे कारण है। पहले मैं यहां पे नाम लिख दूं, ये ट्रोपोस्फीयर है, ये ट्रोपोस्फीयर है, यहां पर पहले नाम लिख दिया, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। तिरछा इसलिए बनाया है कि ट्रोपोस्फीयर की जो ऊंचाई है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, और यहां से एग्जाम का क्वेश्चन बनाया, तो बड़े गौर से समझिएगा। ट्रोपोस्फीयर का ऊंचाई जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ऊंचाई वो होता है कहां, इक्वेटर पर। तो ये ऊंचाई यहां पर है 18 किलोमीटर, और ये कौन सा जगह है, इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा पे। अब मैं आपको सबका कारण भी बताते हुए चलूंगा, ठीक है? सबका कारण भी बताते हुए चलूंगा, यानी कि विषुवत रेखा पर चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है और वहां पे समान प्रकार की वर्षा होती है, तो गर्मी ज्यादा पड़ने से वहां के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर जाते हैं और उसकी टेंडेंसी होती है ऊपर उठने की। ध्यान रखिएगा, जहां पे गर्मी ज्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे और उसकी टेंडेंसी होगी ऊपर उठने की, और उस ऊपर उठने के टेंडेंसी के कारण जो है ना जो ट्रोपोस्फीयर के हाइट है उसको भी ऊपर लेके चला जाता है। तो इसलिए इक्वेटर पे ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई ज्यादा होती है। जब पोल की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई कम होती है, कम होती है, लगभग 6-8 किलोमीटर, कहीं 6 मिलेगा कहीं 8 किलोमीटर, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। तो मैं यहां पे 6 किलोमीटर कर दूं, और ये कहां होता है, पोल पे, पोल पे। तो आप देखिए मैंने आपको क्या कहा कि आप लिखेंगे कैसे, तो आप एक एक पॉइंट बनाएंगे। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं ट्रोपोस्फीयर, मैं एक को बताता हूं, बाकी सब इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है? इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पे लिखा ट्रोपोस्फीयर, तो मैं आपको क्या लिखूंगा, फर्स्ट लेयर है ये, फर्स्ट लेयर पहला पॉइंट मैंने लिख दिया। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि इसकी हाइट, एच ई आई जी एस टी, हाइट मैक्सिमम कहां है, इक्वेटर पे, कितना है वो लिख देंगे। मिनिमम कहां है, पोल पे, कितना है वो लिख देंगे। उसके बाद उसका एवरेज हाइट भी होगा, एवरेज हाइट कितना है, तो लगभग 12 किलोमीटर लिख लीजिए, कहीं कहीं 13 किलोमीटर दिख जाएगा तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे, 12-13 किलोमीटर, तो इसका एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। फिर टेम्परेचर का क्या हाल है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसे वर्क करती है, तो वो हम बताएंगे, तो वो आप लिख लीजिएगा। तो पॉइंट इस तरीके से सजा के लिखिए, ठीक है ना, इस तरीके से सजा के लिखिए आप। मेरी राइटिंग वहां पर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कैसे लिखना है, ट्रोपोस्फीयर ये पॉइंट, तो इस तरीके से आपको लिखना, ठीक है? मैं इसको मिटाता हूं।
मिटाने की बाद में होगा, पहले मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर हो गया, अब यहां पे देखिएगा इसका एवरेज हाइट कितना है, तो यहां पे लिखता हूं मैं, इसका एवरेज हाइट होगा लगभग 12 किलोमीटर, कहीं कहीं हो सकता है कि 13 किलोमीटर इसका एवरेज हाइट आपको दिखाई दे, 13 किलोमीटर आपको एवरेज हाइट दिखाई दे सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए मैंने तिरछा बनाया, क्योंकि इक्वेटर पे ज्यादा हाइट है और पोल पे इसका सबसे कम हाइट है ट्रोपोस्फेयर का। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि कहां पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा होगी, कहां पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट कम होगी। चूंकि पोल पे बहुत ज्यादा ठंडा है, वायुमंडल भारी है, तो वो नीचे की तरफ रहेगा, सिंपल पॉइंट है, इसमें कहीं कोई सोचने की बात नहीं है। इक्वेटर में बहुत ज्यादा गर्मी है तो मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रोपोस्फीयर के लेयर को ऊपर लेके चला जाएगा, सिंपल, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रोपोस्फीयर में अगला पॉइंट यहां पर ये है कि इसका टेंपरेचर कैसे वर्क करती है। तो ट्रोपोस्फीयर में टेंपरेचर बढ़ता है ऊंचाई के साथ, टेंपरेचर इंक्रीजेस विद हाइट, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीजेस विद हाइट। जरा हम टेम्परेचर के एक अलग से पॉइंट बना दूं, एक अलग से आपको हम यहाँ पे ग्राफ के द्वारा आपको टेम्परेचर दिखा दूं, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, पॉइंट को देखने की कोशिश कीजिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर को मैं रेड कलर से लेता हूं, ठीक है। और किस तरीके से लिखना, देखो ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होता है, तो जब हम राइट की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर कम होगा और लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे ऊंचाई के साथ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे टेम्परेचर में, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट, ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होता है। अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूं, देखिए जब भी गर्मी का समय होता है तो आप छुट्टी मनाने के लिए कहां, हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो ऊंचाई पे है, और जब वो ऊंचाई पे है तो वहां टेम्परेचर कम होगा, तो इसलिए वहां पे आप गर्मी को महसूस नहीं करते हैं इन कंपेरिजन टू मैदानी इलाका, तो इस वजह से आप हिल स्टेशन पे छुट्टी के लिए चले जाते हैं। तो ऊंचाई के साथ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। चलिए एक पॉइंट और मैं आपको यहां पे बता दूं, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कितना कम होता है, तो 165 मीटर के ऊंचाई जाने पे 1 डिग्री सी टेम्परेचर कम होता है। तो एवरी यहां पे लिख लीजिएगा, कैसे लिखेगा, एवरी 165 मीटर, एवरी 165 मीटर हाइट, HEIGST हाइट, 1 डिग्री सी, एक सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 डिग्री सी टेम्परेचर डिक्रीजेस, यानी कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सी टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, जो बात हमने यहाँ पे बताया, ठीक है ना। तो 165 मीटर के ऊंचाई पे 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ट्रोपोस्फीयर में क्या करेंगे, विथ इंक्रीज द हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस ट्रोपोस्फीयर में। जब हम समताप मंडल में आते हैं यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में आते हैं तो कुछ समय तक टेम्परेचर स्टैटिक होता है और फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो समताप मंडल में क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट, यहां पे इंक्रीज है टेम्परेचर, यहां पे लिख देता हूं इंक्रीज है, इंक्रीज किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। और ट्रोपोस्फीयर में क्या है, डिक्रीज है हाइट के साथ, डिक्रीज है हाइट के साथ। जो मैप बना रहा हूं उसको बड़े गौर से आप भी मेरे साथ बनाते चलिए, ठीक है। मेसोस्फीयर में टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज है, डिक्रीज हाइट के साथ डिक्रीज है। मेसोस्फीयर में टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज है। उसके बाद जब हम थर्मोस्फीयर यानी कि आयनोस्फीयर, आयन मंडल में चलते हैं तो टेम्परेचर फिर से क्या हो जाता है, देखो डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज, यानी कि फिर इंक्रीज है, इंक्रीज। और फिर यहां से टेम्परेचर इंक्रीज ही रहता है एक्सोस्फीयर में भी, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज ही रहता है, फिर टेम्परेचर नीचे नहीं आता है। यानी कि ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज है, स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज है, मेसोस्फीयर में डिक्रीज है, थर्मोस्फीयर में इंक्रीज है और एक्सोस्फीयर में इंक्रीज है। तो इसको आप एक तरीके के अल्टरनेट की तरह याद कर सकते हैं, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, ऊपर में तो इंक्रीज ही रहेगा। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में हमने यहाँ पे पॉइंट बना दिया और फिर मैं आपको बोलते हुए भी चलूंगा। तो टेम्परेचर क्या है, ठीक है, हाइट के साथ डिक्रीज है। अब अगला पॉइंट, दूसरा, इसके जो अपर लेयर है ट्रोपोस्फीयर का, जो अपर लेयर है, ऊपरी लेयर है, यहां पे मैं आपको ऊपरी लेयर को थोड़ा सा दूसरे कलर से बता दूं, ठीक है। ऊपरी लेयर जो है ना ट्रोपोस्फीयर का, ये लेयर लगभग, इस ऊपरी लेयर में जेट विंड चलते हैं। देखो जेट पवन और जेट
जो प्लेन होते हैं उस दोनों में अंतर होता है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। जेट विंड यानी कि जेट हवाएं चलते हैं, जेट विंड, मैं यहां पे लिख देता हूं जेट विंड चलते हैं, जेट विंड, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, आप यहां पे ऐसे करके लिखेंगे कि जेट विंड ब्लो इन अपर साइड ऑफ ट्रोपोस्फियर, ठीक है, या अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के ऊपरी लेयर पे जेट विंड बहती है, ये बात आप लिख लीजिए हिंदी और इंग्लिश वाले, जेट विंड ब्लो इन अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर, जेट विंड क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पे बहती है, हो गया पॉइंट। चलिए उसके बाद जितने तरीके की बादल और वर्षा होगा या जिसको बोलते हैं कि क्लाइमेटिक या मौसमी जो घटनाएं हैं जितने भी, वो सारे ट्रोपोस्फीयर में ही पाए जाएंगे, सारे मौसमी घटनाएं ट्रोपोस्फीयर में। तो हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे क्या कि सारे मौसमी घटनाएं ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। अब इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि ऑल द वेदर फिनोमिना अकर इन ट्रोपोस्फीयर, ऑल द वेदर फिनोमिना, यहाँ पे दूसरा लिखेंगे ऑल द वेदर फिनोमिना अकर इन ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, सभी मौसमी घटनाएं यहीं पे होती है। तो ऑल द वेदर फिनोमिना यहाँ पे लिख देता हूं। अब यहां पे पॉइंट है कि वेदर फिनोमिना क्या होता है। तो वेदर फिनोमिना देखो, बादल का बनना, बादल का बनना, वर्षा का होना, बादल का बनना, वर्षा का होना, तेज हवाएं चलना, ये सारी घटनाएं आपको ट्रोपोस्फीयर में होगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो कहां होती है, तो ट्रोपोस्फीयर में। ये क्वेश्चन एग्जाम का है। बड़े गौर से मेरी पूरी बातों को समझिएगा और बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे आप, आपके साथ हम आपको पूरी लेयर्स को अच्छे तरीके से समझाएंगे। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे वर्षा भी होगा, बादल भी होगा, ओला भी होगा, हवाएं भी तेज चलेंगी, ओस भी होगा, कोहरा भी होगा, कुहासा भी होगा, बर्फ भी पड़ेंगे, सब कुछ इसी में ही होगा ट्रोपोस्फीयर में। सभी मौसमी घटना ट्रोपोस्फीयर में होगा। समताप मंडल में कोई मौसमी या फिर किसी मंडल में और दूसरी मंडल में मौसमी घटना नहीं होगी। बादल भी यही गरजेंगे, ये भी बात समझ लीजिए, ठीक है, और लाइटिंग भी यही होगी यानी थंडरस्टॉर्म भी यही होगा। तो सब कुछ यही होगा, मेरी बात को अच्छे तरीके समझिएगा। ऑल द वेदर फिनोमिना अकर इन दिस लेयर, सभी मौसमी घटनाएं। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है और इसको आप अपने खोपड़िया में अटाल लीजिए अच्छे तरीके से कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, अगला जब हम दूसरा लेयर की बात करते हैं तो स्ट्रेटोस्फीयर है। इस लेयर को यहीं पे छोड़ता हूं मैं, ठीक है, हो गया हमारा ट्रोपोस्फीयर। और जिस तरीके से मैं ट्रोपोस्फीयर पे यहाँ पे लिखा उस तरीके से आप अलग अलग लेयर का नाम लिख करके उसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको वहां नहीं लिखूंगा, अब आपके ऊपर है कि आप उस तरीके से किस तरह कैसे नोट्स बनाते हैं, बनाना तो पड़ेगा नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्ट्रेटोस्फीयर, जब हम स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल की बात करते हैं जिसको हिंदी में समताप मंडल कहते हैं, तो सबसे पहला वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा हाइट के साथ। सबसे पहला पॉइंट, टेम्परेचर हाइट के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक लेयर बनता है, यहाँ पर एक पॉइंट पाया जाता है जिसको मैं यहाँ पे लेयर के तरीके से बना देता हूं। और ये कौन सा लेयर कहलाता है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से दो तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो कितने किलोमीटर तक का ओजोन लेयर फैला हुआ है, तो 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक ओजोन लेयर फैला हुआ है। यह क्वेश्चन एग्जाम का है, 20 किलोमीटर तक, ठीक है ना, समझ में आ गया ओजोन लेयर। अब अगला पॉइंट है कि ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। ओजोन लेयर किस मंडल में है, तो स्ट्रेटो पर समताप मंडल, ऐसे ऐसे एरो करके आप लिखते चलेंगे। 20 किलोमीटर ओजोन मंडल लिख लीजिएगा, और किस में, तो समताप मंडल में, तो आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर, ठीक है। अब यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब ओजोन लेयर का क्या काम है, आपको पता है कि सन का जो यूवी लाइट्स है, जो यूवी रेज है, उसको वो रोकती है, हमारे पृथ्वी पे एक बेहतर लाइट भेजती है जिससे कि हम स्वस्थ रह सके। क्योंकि यूवी लाइट अगर हमारे शरीर पे पड़ेगा तो हमारे शरीर पे परेशानी होगी, कैंसर हो सकता है, दूसरे बीमारी हो सकते हैं, बहुत सारी बात आप जानते हैं अल्ट्रावायलेट रे के बारे में, ठीक है। तो ओजोन लेयर का काम है उस रे को अपने अब्सॉर्ब करना, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है O3 है, O3 है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट है एक और, जो एग्जाम का क्वेश्चन आया है कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है। डिप्लेशन का मतलब ओजोन लेयर खराब हो रहा है, ओजोन लेयर कम हो रहा है, या डिक्री कमजोरी आ रही है। ये चीजें आपने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी शब्दों में, लेमैन भाषा में सुना होगा या फिर अच्छे भाषा में डिप्लेशन या ओजोन लेयर का क्षरण जैसे शब्दों का
पॉइंट सुना होगा, बिगटन सुना होगा, कुछ भी सुना होगा। तो ओजोन लेयर का जो क्षरण हो रहा है या डिप्लेशन हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, कौन सी गैस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, व्हिच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट, सबसे जो आंसर जो एग्जामिनर क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा है वो ढूंढ रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। है ना, ठीक है, CFC ओजोन मंडल के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है CFC, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट ये है कि ओजोन लेयर को ठीक करने के लिए, यानी कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन को लेकर के, कि भैया ओजोन लेयर को ठीक करना है, ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है, हमें CFC जैसे गैसेस को कम करने हैं या नहीं के बराबर उत्पादन करना है जिससे हमारा ओजोन लेयर बचा रहे, इन सब चीजों के बारे में जो बात हुआ था वो किस प्रोटोकॉल में, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, यहां पर लिख लीजिएगा, ओजोन लेयर को डिप्लेशन को लेकर के जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 टू डिप्लेशन, टू स्टॉप द डिप्लेशन ऑफ क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के डिप्लेशन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको आप अपने कॉपी में एकदम लिख लीजिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जरूर लिखेगा, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूं, अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो ओजोन लेयर की बात कर लिए। अब स्ट्रेटोस्फीयर में एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम का, स्ट्रेटोस्फीयर की जितने भी बात बताए सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, CFC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, 20 किलोमीटर को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, यूवी रेज को रोकती है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन लेयर का जो O3 नाम है ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा है कि इसको क्या बोलते हैं, O2 O3 1, तो ऐसे करके O3 इसको पूछते हैं। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन जो एग्जाम का है कि यहां पे एरोप्लेन को या फिर जेट एयरप्लेन को फ्लाई करना सुविधाजनक होता है, यानी कि इस प्रोवाइड आइडियल कंडीशन टू फ्लाई एरोप्लेन, ठीक है, या जेट एरोप्लेन या जेट प्लेन को फ्लाई कराने का एक आदर्श स्थिति प्रदान करती है, ठीक है ना। तो आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग जेट प्लेन। अब यहां पे ये बात मत समझिएगा कि यहां पे मैंने जेट प्लेन लिखा और यहां पे जेट विंड, तो जेट विंड जेट प्लेन में अंतर होता है, इस बात को समझिएगा। तो जेट प्लेन को फ्लाई कराने का ये आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, VVIA कई बार क्वेश्चन पूछा कि कौन ऐसा स्फीयर है जहां पे जेट विंड को फ्लाई कराना एक आइडियल कंडीशन है, क्योंकि यहां पे किसी तरह का कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है, तो बड़े तरीके से अच्छे तरीके से इसको फ्लाई किया जा सकता है, अच्छे तरीके से फ्लाई होती भी है, समझ गए ना पॉइंट को, ठीक है। एरोप्लेन या जेट प्लेन जो भी ऑप्शन में दे आपको स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल टिक कर देना है, ठीक है ना। चलिए, तो समताप मंडल की बात यहां पे हम खत्म करते हैं, मेसोस्फीयर की बात करते हैं। मेसोस्फीयर का किलोमीटर सबका लिखते चलिएगा, 50 किलोमीटर समताप मंडल का है, मेसोस्फीयर का किलोमीटर 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इंक्रीज हाइट जो है ना, हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, हाइट के साथ टेम्परेचर इसका डिक्रीज होता है। उसका मेसोस्फीयर में बहुत सारी बातें नहीं करनी है हमें, थर्मोस्फीयर के बारे में हमें बात करना है, थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर के बारे में हमें बात करना है, आयन मंडल के बारे में बात करना है, ध्यान दीजिएगा। आयन मंडल के बारे में हमें क्या बात करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आयन मंडल के बारे में बात करना है ये कि रेडियो वेव यहां से रिफ्लेक्ट होता है, तो रेडियो वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम यार, मतलब कि रेडियो वेव यहां से रिफ्लेक्ट होता है, सबसे पहला पॉइंट तो ये यहां पर लिख लीजिएगा आयनोस्फीयर, और उसके बारे में एक पॉइंट जिस तरीके से लिखा उस तरीके लिखते चलिएगा, रेडियो वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम यार। एक दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट, तो हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर पहले लिखा हुआ इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, इंक्रीज। तीसरा पॉइंट यहां पर यह है कि ये थोड़ा सा किताबों में कहीं कहीं अलग अलग तरीके से बात किया हुआ है, लेकिन तीसरा पॉइंट यहां पर यह है कि जो आपने ऑरोरा लाइट्स के बारे में बात करा था, ऑरोरा लाइट्स वो इसी स्फीयर में दिखाई पड़ता है, तो ऑरोरा लाइट्स ऑरोरा लाइट्स
ऑरोरा लाइट्स, मैंने ऑरोरा लाइट्स लिख करके छोड़ दिया है, तो ऑरोरा लाइट्स इसी स्फीयर में दिखाई पड़ता है। इस पॉइंट को देखिए कि ऑरोरा लाइट्स सीन इन दिस स्फीयर, यानी कि ऑरोरा लाइट्स, ऑरोरा प्रकाश इसी मंडल पे दिखाई पड़ता है। इस पॉइंट को आप अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे ऑरोरा लाइट्स के बारे में। इस पॉइंट को हो गया। चलिए अगला पॉइंट यहां पे क्या लिखिएगा कि मेटियोर्स बर्न इन दिस लेयर। हालांकि किसी किसी किताबों में, किसी किसी जगह पे आपको बताते हैं कि मेसोस्फीयर में लिखेगा कि मेटियोर्स बर्न, ठीक है। मेटियोर्स तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि किस तरीके से एक टूटता हुआ, जो जिसको हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, शूटिंग स्टार, लेकिन एक मेटियोर्स जो टूटता है, अपने कक्षा से विचलित होता है और ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटी में आ जाता है, और तेजी से जब नीचे आता है तो ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ क्या बोलते हैं वातावरण, एटमोस्फियर या वायुमंडल, तो वायुमंडल के रेसिस्ट के कारण उसमें एक घर्षण पैदा होता है और उसमें आग लग जाता है, जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं और उसको मेटियोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो मेटियोर्स कहते ये है कि मेसोस्फीयर में मेटियोर्स जलने लगता है। ये कुछ कुछ किताबों में है, कुछ कुछ जगहों पर यह है कि थर्मोस्फीयर में मेटियोर्स जलने लगता है। तो मेसोस्फीयर में आप मेटियोर्स बर्न लिख लीजिएगा आप मेरी तरफ से, चूंकि मेसोस्फीयर में कुछ नहीं लिखा है तो मेरी तरफ से इसको लिख लीजिए कि है ना मेसोस्फीयर में मेटियोर्स बर्न करने लगता है। आपने जगह अगर होगा तो एक लाइन वहां पे जरूर लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा मेटियोर्स मेसोस्फीयर में ही बर्न करने लगता है, ठीक है। थर्मोस्फीयर में आपने दो तीन बातें लिखा, चलिए थर्मोस्फीयर के इंक्रीजेस हो गया, रेडियो वेव की बात है थर्मोस्फीयर में कर लिए। उसके बाद एक्सोस्फीयर में टेंपरेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ये फिर बाहरी मंडल हो जाता है आपके वायुमंडल का, जहां पे गैसेस की मात्रा बहुत कम होती है। अब एक और पॉइंट जो ट्रोपोस्फीयर में हमारा छूट गया था उसको हम आपको बताते हैं। ध्यान से ट्रोपोस्फीयर में एक जगह बना करके लिख लीजिएगा कि जितने भी आपने गैसेस पढ़ा है, जो भी आप जानते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे पहले ऑर्गन है, और दुनिया भर के गैसेस हैं, आपको सब पता है। तो उस पूरे गैसेस का यानी कि एटमॉस्फेयर का 90% ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, यानी कि क्षोभ मंडल में पूरे एटमॉस्फेयर का 90% गैसेस क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिए कि 90% गैसेस फॉर्म, ठीक है, 90% गैसेज यहां पे पाए जाते हैं, 90% गैसेज फाउंड इन दिस लेयर, 90% गैस एकदम लिखिएगा यहां पे इस पॉइंट से, 90% गैसेज फाउंड इन दिस लेयर, एकदम इसको लिखना ही है, एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो हो गया पॉइंट। अब एक पॉइंट जो हम आपको बताए थे होमोस्फीयर हेट्रोस्फीयर को, उसको हम थोड़ा सा अगर कर ले तो मैं एक छोटा सा पॉइंट को यहां पर मिटाने की कोशिश करता हूं। इसको मैंने छोटा सा मिटाया है क्योंकि यहां पे मुझे कुछ करना है, तो इस वजह से मैंने मिटाया है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको यहां पे करता हूं, देखो जीरो से 80 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है इसमें होमो, इसको होमोस्फीयर कहा जाता है। अब जीरो से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो होमोस्फीयर कहा जाता है उसमें कौन कौन से लेयर आते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। तो कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि होमोस्फीयर के अंतर्गत कौन कौन से लेयर आते हैं, तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। हिंदी वाले बच्चे, होमोस्फीयर के अंतर्गत कौन कौन से लेयर आते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, सिंपल सिंपल, ठीक है। 80 किलोमीटर से ऊपर अगर हम चलते हैं बहिर्मंडल तक, तो यहां पर जो पाए जाते हैं इसको हेट्रोस्फीयर बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन से मंडल हो गया, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में हो गया, ठीक है। यानी कि आयन मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि थर्मोस्फीयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है। अब नॉर्मली आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा गैस हमारे वातावरण में है, तो आप नाइट्रोजन टिक करते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा गैस है, 78% के आसपास पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा हाइड्रोस्फीयर में कौन सा गैस पाया जाता है, ऑप्शन में नाइट्रोजन बिल्कुल रहेगा आपसे टिक करवाने के लिए, और आप टिक करके आपको बोलेंगे कि अरे वायुमंडल से क्वेश्चन आया था, सर ने पढ़ाया था कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है, हम टिक कर लिए। लेकिन जब हाइड्रोस्फीयर की बात आती है तो नाइट्रोजन गैस इसका आंसर नहीं होता है, इसका आंसर हो जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस फाउंड मो, ठीक है, मोस्टली फाउंड, तो ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोस्फीयर में कौन सा गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस, मोस्टली फाउंड हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट हमें आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोगों ने बात किया था, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है।
चलिए तो इसको आपको समझ में आ गया होगा, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके बाद हमने शुरू में भी बात किया था कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, कंपोजिशन क्या है, उसके बाद वाटर वेपर कितना परसेंट है, लेयर्स और हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर, और फिर हमने इसको मैप बना करके आपके सामने में रखा। ये मैप आपके सामने में, मैंने बताया था कि इस तरीके से आप हर लेयर के बारे में कुछ ना कुछ लिखते हुए चलेंगे, जो बात मैं आपको बताते हुए चला हूं। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन सोल्व करेंगे सब। एक बार ध्यान रखिएगा कि दो जगह से क्वेश्चन, दो तीन तीन लेयर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आए हैं, तीन लेयर से, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ये तीन जगह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। मैं क्वेश्चन भी आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन आए हैं। आयनोस्फीयर से यानी कि आयन मंडल से आए हैं, रेडियो वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम ईयर, ये क्वेश्चन आया है, और बाकी जो ऑरोरा लाइट्स वगैरह नहीं हमको दिखाई दिया है, रेडियो वेव दिखाई दिया है। जो मैंने बोला है वही जाने कि रेडियो वेव किस मंडल से रिफ्लेक्ट होते हैं, तो आयनोस्फीयर से, तो ये क्वेश्चन आए हैं। दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर से यानी समताप मंडल से क्या क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता दूं। तो समताप मंडल से क्वेश्चन आए हैं एरोप्लेन को लेकर के, कि एरोप्लेन कौन सा या जेट प्लेन कौन से मंडल में अच्छे तरीके से उड़ते हैं, तो समताप मंडल में एक। दूसरा ओजोन लेयर से क्वेश्चन आया, ओजोन लेयर के डिप्लेशन को लेकर के, ओजोन लेयर के किलोमीटर को लेकर के, सीएफसी को लेकर के, O3 को लेकर के क्वेश्चन आया है, तो ओजोन लेयर के लेकर के समताप मंडल में। तो ये चार क्वेश्चन हो गए। ट्रोपोस्फीयर से क्वेश्चन आया है कितने मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, तो ट्रोपोस्फीयर में होती है, ये क्वेश्चन आया है। दूसरा टेम्परेचर का क्या कहानी होती है ट्रोपोस्फीयर में, तो हाइट के साथ डिक्रीज होता है, ये क्वेश्चन आया है। बस ये दो क्वेश्चन ट्रोपोस्फीयर का मुझे याद है वो। हाँ, तीसरा क्वेश्चन ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो इक्वेटर पे, और सबसे कम कहाँ होती है, तो पोल पे। ये तीन क्वेश्चन मेरे को समझ में आया ट्रोपोस्फीयर से। तो 3, 4, 3, 7 और 1, 8 क्वेश्चन यहां से मैं आपको बना रहा हूं। उसके बाद एक क्वेश्चन जो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आया था, क्योटो प्रोटोकॉल, वो क्वेश्चन आया एग्जाम में, वाटर वेपर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यानी कि 10 क्वेश्चन का यहाँ पे काम हो गया है जो एग्जाम में आया है। इससे ज्यादा अगर आएगा तो उससे ज्यादा मैं पढ़ा दिया हूँ, तो उसको आप एक बार संभाल लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नए क्वेश्चन समझ में आए तो हमें टिक क्या बोलते हैं कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन छूट गया, सॉरी 11 क्वेश्चन हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोस्फीयर में कौन सा है, तो हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा है, ये क्वेश्चन छूट गया। तो 11 क्वेश्चन यहां से है। बात करने वाले हैं विंड प्रेशर और विंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स के बारे में, यानी कि वायुमंडलीय जो दाब है और हवाएं हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम बात करें, हम कुछ चीजों को आपको क्लियर करना चाहते हैं जो एग्जाम के क्वेश्चन भी बनते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये है कि जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, इसको मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं बैरोमीटर, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, आप में से बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और एक होता है इक्वल प्रेशर लाइन को डिनोट करने वाले एक शब्द है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वल प्रेशर लाइन। अब ये इक्वल प्रेशर लाइन क्या होता है, तो दरअसल एक इमेजिनरी लाइन है जहां पे ये साइंटिस्ट या मेजर करने वाले लोग ये बताते हैं कि अगर एक ही तरह के प्रेशर दो या तीन या चार या पांच जगह है तो एक लाइन ड्रॉ हो जाता है, या दो जगह भी है तो एक लाइन ड्रॉ हो जाता है जहां पे इक्वल प्रेशर को वो लाइन जो है ना हमें बताती है कि ये जगह पे इक्वल प्रेशर है, और उसको एक शब्द से जाना जाता है, दैट इज आइसोबार लाइन। ठीक है, तो आइसोबार में यहां पे एक चीज समझिएगा, आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसो का मतलब क्या होता है इक्वल, और इसका मतलब बार का मतलब होता है प्रेशर। अब आप अगर कभी शब्दों को पढ़े होंगे इंग्लिश वगैरह में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर के, क्योंकि इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी ये पॉइंट है, तो कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा या फिर कहीं अलग पढ़ा होगा, तो आइसो करके बहुत सारे टर्म आपको नजर आएंगे, आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोहाइट, आइसोएलाइन, ये इस तरीके के बहुत सारे टर्म आपको मिले होंगे। तो ये टर्म बताती है कि कहीं ना कहीं आइसोथर्म का मतलब होता है कि एक समान तापमान को मापने वाली रेखा, आइसोथर्मल लाइन का मतलब होता है एक समान तापमान को मापने वाली रेखा। तो इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आइसो करके 4, 5, 7, 8 करके टर्म है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर इंग्लिश में पूछ लिया तो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं, तो आप उसको इंग्लिश का मांगते हैं, लेकिन दरअसल ये ज्योग्राफिकल टर्म है जिसको इंग्लिश में क्वाइन कर दिया गया है, तो इसको लेकर थोड़ा सा आप समझिएगा। समताप रेखा, समदाब रेखा हिंदी में बोलते हैं, आइसोबार को समदाब रेखा कहते हैं, और आइसोथर्म को समताप, और भी दूसरे आइसो हैं। तो आइसो का मतलब इक्वल होता है, जहां
आइसो देखे वहां इक्वल हो जाएगा और उसके बाद के लगे हुए शब्द उसको ओरिजिनली डिनोट करता है। चलिए ठीक है, एक बात हो गया। दूसरी बात हम यहाँ पे जो आपके सामने करने वाले हैं थोड़ा सा विंड के बारे में, हवाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं विंड। विंड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझिएगा, एक एक लक्षण होता है हवाओं का, उस लक्षण को समझिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है इस लक्षण से। क्वेश्चन क्या एग्जाम में आया है कि विंड हमेशा हमेशा ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि हवाएं जो है ना हमेशा हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर के बीच में बहती हैं। हमेशा हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। हमेशा लो से हाई नहीं चलेगा, हाई से लो की तरफ चलेगा। यानी कि अगर मैं इसको, हालांकि इसके बारे में हम बात अभी करने वाले हैं तो इसको समझिएगा। तो यानी कि अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट बनाऊं, यहाँ पे ये हाई प्रेशर है और यहाँ पे अगर ये लो प्रेशर है, तो हवाएं हमेशा कैसे चलेंगी, हाई से लो की तरफ चलेंगी हमेशा। ठीक है, ये यूनिवर्सल है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस पॉइंट को आप समझिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि हवाएं का डायरेक्शन क्या होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है, लो से हाई अगर ऑप्शन दे दिया, अगर आप कहीं कंफ्यूज हो गए तो टिक करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा ए। अब दुनिया भर में जो बहने वाली हवाएं हैं उसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, दो भागों में। एक होता है परमानेंट, परमानेंट हवाओं का मतलब क्या होता है, स्थाई, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में स्थाई। हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, कोई भी इंग्लिश का ऐसा शब्द नहीं लिखा हुआ है जिससे आप दो चार नहीं हो सकते। मैं हिंदी ही तो बोल रहा हूं, परेशान नहीं होना है आपको। आप ये मत समझिए कि इंग्लिश में लिखा जा रहा है, ये बहुत ही आसान शब्दों का, और इसी से आप इंग्लिश में और ज्यादा अपने आपको कंफर्ट महसूस करेंगे हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे तो। वैसे मैं लिख देता हूं स्थाई शब्द, हमें खुद इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है। चलिए परमानेंट बिन, परमानेंट बिन में हम लोग किसकी किसको पढ़ते हैं वो हम देखते हैं। एक ऐसा बिन जो सालों भर पृथ्वी पे एक निश्चित जगह पे, एक निश्चित लैटिट्यूड में सालों भर वो एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में बहती रहती है। मैं फिर से बताऊं, अस्थाई पवन, स्थाई पवन एक ऐसी पवन है जो सालों भर एक निश्चित लैटिट्यूड पे, जिसको निश्चित स्थान कह सकते हैं, सालों भर निश्चित डायरेक्शन में एक दिशा में बहती रहती है। मैं परमानेंट विंडो के कुछ प्रकार, परमानेंट बिन के कुछ प्रकार बता दूं। एक होते हैं ट्रेड बिन, ट्रेड बिन जिसको हम कहते हैं व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। मैं यहाँ पे लिख देता हूं हिंदी में, जब हम मैप पे आएंगे, जब हम ग्लोब पे आएंगे तो वहां पे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ट्रेड बिन, एक होता है बेस्टोर्ली बिन, बेस्टोर्ली बिन, ठीक है। इसका मतलब होता है पछुआ पवन, पछुआ पवन, बेस्टोर्ली बिन इसका मतलब होता है पछुआ पवन। एक होता है पोलर बिन, पोलर विन इसका मतलब होता है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन, ठीक है, ध्रुवीय पवन। तो तीन तरीके की परमानेंट विंड है, ये तीनों परमानेंट विंड अपने डायरेक्शन पे बहती रहती है हमेशा। अब ये तो हो गया विंड का परमानेंट विंड जो हमेशा बहती रहती है। अब हम एक करते हैं विंड का दूसरा, उसको बोलते हैं टेम्पोररी विंड, टेम्पोररी। टेम्पोररी बिन का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, अस्थाई, ठीक है ना। प्रोनंसिएशन में गड़बड़ हो जाएगा तो आप लोग इसको कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है, अस्थाई। अब ये किस प्रकार का बिन होता है, तो इसको भी हमने फिर दो भागों में बांटा है, इसको भी हमने फिर दो भागों में बांटा है टेम्पोररी बिन को। एक होता है सीजनल, सीजनल, ठीक है, मौसमी। एक होता है सीजनल यानी कि क्या होता है, मौसमी, ठीक है, मौसमी। मौसमी बिन के बारे में जानते हैं ये क्या होता है। मौसमी बिन मतलब कि समय के अनुसार इसमें चेंजेज आते रहते हैं, जैसे कि आपका मानसूनी बिन, मैं इसको दूसरे कलर से कर लूं, मानसून। तो मानसून बिन को हम भारत के जब मानसून पढ़ाएंगे या बार पढ़ाए तो वहां पे हमने इसके बारे में डिस्कस अच्छे से किया है। तो मानसून बिन,
उसके बाद एक होता है लैंड ब्रिज, नाम शायद आप में से कुछ लोग सुने होंगे, हिंदी में जब लिखेंगे तो और अच्छे से शायद समझ में आए। इसको बोलते हैं स्थल समीर, ठीक है, स्थल समीर, लैंड ब्रिज, और एक होता है सी ब्रिज। सी ब्रिज इसको बोलते हैं समुद्री समीर, इसको क्या बोलते हैं, समुद्री समीर, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, टेम्पोररी को भी हम दो भागों में बांटे थे, सीजनल हो गया जिसको, सीजनल को हमने तीन में कहा, मॉनसून में लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। उसके बाद इसका एक दूसरा पॉइंट है सीजनल का, लोकल विंड को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय हवाएं। अब स्थानीय हवाएं भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉट विंड और एक होता है कोल्ड विंड, यानी कि गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं, ठीक है, ध्यान में आ गया ना। चलिए अब इसको देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, जरा मैं एक बार आपको छोटे से दिखाऊं तो हमने क्या क्या किया वो देखिए। हमने हवाओं को किस तरीके से बांटा है, परमानेंट विंड, स्थाई, तीन तरीके के, ट्रेड, वेस्टर्ली और पोलर, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। उसके बाद एक टेम्पोररी है, ठीक है, ए और बी, टेम्पोररी स्थाई है, ठीक है ना। स्थाई को हमने दो भागों में बांटा, छोटा ए छोटा बी, और इसको हम एक दो तीन नहीं करते हैं, मॉनसून विंड, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, लोकल विंड को हॉट विंड, कोल्ड विंड। तो इस तरीके से आप विंड दे करके ऊपर में एक विंड दे करके, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको इस तरीके से अगर बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। जैसा मैंने बनाया विंड को, मैंने सबसे पहले कहा कि ब्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है, ठीक है, और इस तरीके से इसको बना लीजिए, पक्का। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, अब सीधे सीधे ग्लोब की तरफ चलते हैं, यानी कि हम चलते हैं अपने मैप पे, और मैप पे देखते हैं विंड को लेकर के, इसको घुमाते हैं, फिराते हैं, खिलाते हैं, कुदाते हैं, इसके साथ खेलते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो हमने लाइन खींचा है। अगर ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपको समझ में नहीं आ रहा है, और जिस किसी को भी समझ में आ रहा है तो वो भी अपने माइंड को ब्लैंक कर दे, एक तरीके का न्यूट्रल हो जाए, और हमारे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस लाइन में ये एक प्रेशर बेल्ट है, जो लाइन आपको दिख रहा है ये एक प्रेशर बेल्ट है। मैं जानबूझ के आगे खड़ा हूं ताकि आप बनाए ना, ठीक है, पहले मुझे सुने, ये एक प्रेशर बेल्ट है, और सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि इस प्रेशर बेल्ट में हम उसका नामकरण करने वाले हैं, उसका नाम डालने वाले कि कहां पे कौन सा प्रेशर बेल्ट है, तब हम चीजों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो ये जो आपको बीच में है आप जानते हैं इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा, इक्वेटर इसका नाम है, आपको पता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वेटर। आपने हमारा जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह का वीडियो देखे होंगे तो ऐसे भी आप इक्वेटर इक्वेटर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इससे पहले हमने कितने वीडियो में ये सब चीजों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इक्वेटर है ये, विषुवत रेखा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, और आप जानते हैं विषुवत रेखा के बारे में, मैंने आपको पहले बताया था कि ये गर्मी का जगह है, बहुत ज्यादा गर्म होता है ये, ठीक है, और यहाँ पे वर्षा भी रेगुलर होता है, संवहनीय प्रकार के वर्षा होते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है। चलिए ठीक है, ये इक्वेटर है, और यहां पर एक प्रेशर बेल्ट है, वो प्रेशर बेल्ट का नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर, है ना, इसका नाम क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ठीक है, विषुवतीय निम्न दाब का क्षेत्र है, ये नामकरण कर रहा हूं मैं, विषुवतीय निम्न दाब का क्षेत्र है। इसके बाद इसके ऊपर में एक और प्रेशर बेल्ट है और इसके नीचे भी एक और प्रेशर बेल्ट है, इसको समझने के बड़ा आसान है। देखिए क्या है, ये एलपी है, ये एचपी होगा,
एचपी और नीचे भी एचपी होगा। कैसे आपको हम आपको बड़े आसान तरीके से समझा देंगे, ठीक है। पहले मैं नामकरण कर लूं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर है। अब इक्वेटर के ऊपर में, यानी कि अगर इक्वेटर को हमने ट्रॉपिकल जोन भी कहा था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो, अगर ट्रॉपिकल जोन के ऊपर में क्या होगा, सब ट्रॉपिकल, तो इसका नाम है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। और इसके नीचे भी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कर दिए हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में भी करेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, ठीक है, सब ट्रॉपिकल। यानी कि हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब। और इसको क्या लिखेंगे, विषुवतीय निम्न दाब का क्षेत्र, उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र। तो आप यहां पे लिखेंगे उपोष्ण उच्च दाब, सब ट्रॉपिकल हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, चूंकि ऊपर में ये पोल है, जैसा कि आप जानते हैं ये पोल है, ये भी पोल है, तो पोल के नीचे ये सब पोलर, सब पोलर, ये हाई है तो ये लो प्रेशर, एलपी। लो प्रेशर को मैं एलपी लिखता हूं, हाई प्रेशर को एचपी लिखता हूं, है ना, ठीक है। छोटे शब्दों में हॉर्स पावर मत समझ लेना, एचपी का मतलब हॉर्स पावर चल रहा है, बकलाना मत। हाई प्रेशर मतलब एचपी, लो प्रेशर एलपी, ठीक है। उच्च दाब निम्न दाब, हिंदी में उच्च दाब निम्न दाब। अब सब पोलर एलपी हो गया, अब इसका नाम भी है सब पोलर एलपी, सब पोलर एलपी, ठीक है, यानी कि उपध्रुवीय निम्न दाब, ठीक है। चलिए अब इसका नाम है पोलर एचपी, यानी कि ध्रुवीय उच्च दाब, और इसका नाम भी होगा पोलर एचपी, यानी कि ध्रुवीय उच्च दाब। चलिए ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे तो यहां पे ये नामकरण हम लोगों ने कर दिया। अब एक पॉइंट जिसको हमने आपको बताया था, उसको आप अपने जहन में उतार ले, वो क्या है, जो कि मैंने पहले कहा था कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। फिर से समझिएगा, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अब जरा हम अब मैप पे आते हैं और चीजों को अच्छे से समझिए। देखिए, जहां भी आपको हाई प्रेशर दिख रहा है और जहां भी लो प्रेशर दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए, हाई प्रेशर की तरफ लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा को बहा दीजिए, एकदम बिना सोचे हुए। गलती मत कीजिए, अगर हम गलती करें तो आप भी हमें बताइए, कभी गलती मत कीजिए। जैसे कि ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है, तो हम यहां पे हवाएं बहा रहे हैं, देखो यहां पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब आप कहिए कि हवाओं को आप तिरछा क्यों कर रहे हैं, तो कोरेलिस फोर्स भी एक कोई चीज होती है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये देखो, ये इस तरीके से मैंने कर दिया, यहां पे देखो तो हमने हवाओं को बहा दिया हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में, ठीक है। फिर से और भी है यहां पे, है ना, और भी बात हूं मैं, देखो हाई प्रेशर से इधर लो प्रेशर, तो लो ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर है तो लो, पहले हाई प्रेशर से लो प्रेशर समझ के हम हवाओं को बहा लेते हैं, फिर ये ऊपर हाई है नीचे लो है तो लो भैया। चलिए ये लो, ठीक है ना। तो अब देखो आपने क्या देखा कि हमने हवाओं को एचपी से एलपी, एचपी से एलपी, एचपी से एलपी की तरफ बहाया है, सिंपल, हमने हवाओं को इस तरीके से बहा दिया। अब इस हवाओं का कुछ ना कुछ नाम है और इसके बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन है, वो सारा काम हम यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इन हवाओं के नाम के बारे में हम बात करते हैं। देखो ये है, इसका नाम है ट्रेड विंड, ये परमानेंट हवाएं हैं, ठीक है ना, ये परमानेंट हवाएं हैं। वैसे मैं आपको परमानेंट हवाएं क्या क्या है वो पिछले मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए जो भी नामकरण करूंगा कि परमानेंट है कि लोकल है, ये आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये भी है ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड हो गया, दो ट्रेड विंड हो गया, आप भी इसी तरीके से कर लीजिए, ठीक है ना। अब दो ट्रेड, अब यहां पे देखिएगा ट्रेड विंड है तो ट्रेड विंड से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या है, तो एक डायरेक्शन का चार्ट मैं यहां पे बना दूं, ठीक है, कोने में, और उससे आपको ध्यान में रह जाएगा चीजें अच्छे तरीके से। ये डायरेक्शन का चार्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट
वेस्ट, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। चलिए तो ये डायरेक्शन का चार्ट है। अब आप हमें बताइए कि ट्रेड विंड जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है। तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, देखो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, हो गया ट्रेड विंड का डायरेक्शन। तो आप लोग अपने कॉपी में अब क्या लिखना शुरू कीजिए और कैसे लिखना शुरू कीजिए वो मैं एक के बारे में बताता हूं, बाकी सब के बारे में आप लिखेंगे। जैसे कि आप यहां पे कीजिए, यहां पे लिख लीजिए ट्रेड विंड, यहां पे लिख लीजिए ट्रेड विंड, और उसके बाद आप क्या करना शुरू कीजिए वो मैं बताता हूं। उसके बाद आप कीजिए, इसका पहले आप लिखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन किसका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में किस डायरेक्शन में है वो यहां पे लिखिए, और फिर दक्षिणी गोलार्ध में किस डायरेक्शन में है वो यहां पर लिखिए। यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कर लीजिए, सॉरी यहां पे मत कीजिए, यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कर लीजिए और यहां पे डायरेक्शन लिख लीजिए, फिर यहां पे साउदर्न हेमिस्फीयर कर लीजिए, यहां पे डायरेक्शन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम अगर ट्रेड विंड के बारे में कुछ बता रहे हैं तो वो यहां पे लिख लीजिए, इस तरीके से एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। और आप उसको करते रहे उसी तरीके से, दूसरे तीसरे चौथे हवाओं के बारे में भी बात आप करेंगे। चलिए अब हम अपने जगह पे आते हैं। तो ट्रेड विंड हो गया, अब इसका डायरेक्शन समझ में आ गया। अब देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर का डायरेक्शन देखिए, तो साउदर्न हेमिस्फीयर का डायरेक्शन देखिए, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, देखो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, समझ में आ रहा है ना। तो साउदर्न हेमिस्फीयर का डायरेक्शन इस तरीके का है, तो दोनों के डायरेक्शन आप लिख लीजिए, ठीक है। ट्रेड विंड के बारे में ये हो गया। इसको व्यापारिक पवन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन, ये परमानेंट विंड, और ये इक्वेटर के आसपास चलता है। देखिए इक्वेटर की तरफ आता है, ठीक है, इक्वेटर की तरफ, और यही दो व्यापारिक पवन, ध्यान रखिएगा जब हम आपको क्या बोलते हैं मानसूनी, भारत के मानसूनी विंड के बारे में बात करें तो वहां पर हमने आपको ITCZ का कंसेप्ट एक समझाया, तो उसका ITCZ के कंसेप्ट को यहां पर फिर से एक बार थोड़ा सा देखेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि दो व्यापारिक पवन आपको दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे से टकराने में है, एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, दिख रहा है ना, एक दूसरे के नजदीक। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो भी यहां पे है उसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटाता हूं और इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, हालांकि लिख दूंगा LP जोन, पहले लिख दूंगा LP, इक्वेटोरियल लो प्रेशर है। अब जब मैंने इसको मिटाया है तो आप एक बात ध्यान देखिए कि दोनों एक दूसरे से जुड़ने के लिए है, तो इसमें इसी को बोलते हैं ITCZ का क्षेत्र, ITCZ जो कि हमेशा लो प्रेशर क्षेत्र होता है, और ITCZ का पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब अभिसरण देखो, कन्वर्जेंस देखो, ये दोनों का अभिसरण हो रहा है ना, तो ट्रेड विंड का अभिसरण हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि ITCZ जो होता है ना वो ट्रेड, दो ट्रेड विंडो के अभिसरण का क्षेत्र होता है। अच्छा एक दूसरा, ITCZ सूर्य के ऊपर नीचे यानी कि साउथवर्ड और नॉर्थवर्ड होने के साथ ये भी शिफ्ट होता है, लेकिन एक हम आदर्श स्थिति पे आकर के 0 डिग्री पे डाल दिए हैं क्योंकि हम इसी तरीके से इसको पढ़ते भी हैं, ठीक है। चलो इसी यहाँ पे अभिसरण क्षेत्र के बीच में, अभिसरण क्षेत्र जब होगा तो जब ये टकराते हैं तो बीच में एक बड़ा ही शांत और बड़ा ही शांत वातावरण तैयार होता है, और उस शांत वातावरण को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको बोलते हैं डोल्ड्रम, एक शांत वातावरण तैयार होता है जिसका होता है डोल्ड्रम। और ये डोल्ड्रम के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डोल्ड्रम कहां पाया जाता है, तो इक्वेटर में, ध्यान रखिएगा डोल्ड्रम। और डोल्ड्रम के बारे में दूसरा पॉइंट क्या होता है कि डोल्ड्रम के क्षेत्र क्या होते हैं, तो एक काल्म एंड क्लाउडलेस एरिया होता है, यानी शांत और बादलहीन क्षेत्र होता है, या फिर काल्म जोन होता है, शांत क्षेत्र होता है। तो आप डोल्ड्रम के बारे में लिखेंगे एक काल्म जोन, ठीक है ना, शांत क्षेत्र। मैं यहां पर लिख देता हूं, ऐसे करके यहां पे लिख देता हूं, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे शांत क्षेत्र, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे काम जोन, ठीक है। तो एक बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है डोल्ड्रम का, डोल्ड्रम का क्षेत्र क्या होता है, बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। ये क्वेश्चन डोल्ड्रम से आया बेटा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रेड विंड के बारे में हमने डायरेक्शन के बारे में बात कर लिया, डोल्ड्रम के बारे में बात कर लिया, यहीं पर अभिसरण और ITCZ का थोड़ा सा बात कर लिया। ये LP जोन होता है, ये भी बात समझिएगा, लो प्रेशर होता है इक्वेटर पे। अच्छा ठीक है, इक्वेटर पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो बहुत ज्यादा गर्मी होने
होने के कारण यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे बहुत ज्यादा गर्मी होने से वाष्पीकरण उतनी ही तेज होती है, और जब तेज वाष्पीकरण होता है तो कहीं ना कहीं बारिश भी उतनी ही तेज होती है, और इसको बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल यानी कि संवहनीय वर्षा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल रेनफॉल यानी कि संवहनीय वर्षा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके बाद। अब देखिए कि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, और यहां पे लो प्रेशर की तरफ एक हवा बह रही है। देख लीजिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ हवा एक बह रही है। अब यहां पे देखिए इस हवा का नाम क्या है, तो इस हवा का नाम है वेस्टर्ली विंड यानी पछुआ पवन। वेस्टर्ली विंड, इसको भी वेस्टर्ली विंड कहते हैं। वेस्टर्ली विंड यानी कि पछुआ पवन वेस्टर्ली विंड है। ठीक है, अब वेस्टर्ली विंड कहां से कहां तक, तो आप उसी तरीके से फिर बना लीजिएगा वेस्टर्ली विंड अंडरलाइन, कहां से कहां तक बहती है, तो सब ट्रॉपिकल एचपी से सब पोलर एलपी यानी कि उपोष्ण उच्च दाब से उप ध्रुवीय निम्न दाब की तरफ बहती है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उपोष्ण उच्च दाब से उप ध्रुवीय निम्न दाब की तरफ बहती है, और ये वेस्टर्ली विंड है, पछुआ पवन है। समझ में आ गया ना? चलिए अब पछुआ पवन के डायरेक्शन को देखते हैं। डायरेक्शन क्या है इसका? डायरेक्शन देखो, हमेशा ये पूर्व की तरफ आपको लिया हुआ है डायरेक्शन। पूर्व नाम है पछुआ पवन लेकिन पूर्व की तरफ है। हाँ, यहां पे हम एक बात आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा। गांव घर में अगर आप गांव वगैरह में घूमते हैं, बड़े बुजुर्गों से आपकी बात होती है, तो देखिएगा वो सिर्फ पेड़ देख करके, पेड़ के पत्ते देख करके, और या फिर कुछ और अनुभव से वो हवा बहते ही बता देंगे कि पछुआ बह रहा है, पुरवाइया बह रहा है, कौन सा हवा बह रहा है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उनको अनुभव है, और मैं उस अनुभव को आपको बताता हूं। होता यह है कि अगर पूर्व की दिशा से हवा पश्चिम की तरफ आए तो वो पुरवाइया है यानी कि पुरवा हवा है, और पश्चिम की दिशा से हवा पूर्व की तरफ जाए तो वो पछुआ है यानी कि पछुआ पवन है। ध्यान रखिएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पे ध्यान देखिए कि हवाएं किस तरफ जा रही है। देखिए डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जा रही है ना, तो देखो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। अब इसमें वेस्ट लगा हुआ है यानी कि पश्चिम लगा हुआ है। ठीक, नीचे का हवा देखो, नीचे का नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, यहां पर भी एक वेस्ट लगा हुआ, पश्चिम लगा हुआ है, तो ये पछुआ हवा है क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। किसके तरफ बह रही है? देखो ईस्ट की तरफ। किसके तरफ बह रही है? देखो ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ बह रही है, तो ये पछुआ हवा है। ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इसका डायरेक्शन समझ में आ गया। डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। ठीक है ना, चलिए वेस्टर्ली विंड पछुआ हवा है, और कहां से कहां तक, तो सब ट्रॉपिकल एचपी से सब पोलर एचपी। ठीक है, और इसके क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड के बारे में नहीं बताया, ट्रेड विंड के बारे में लिखिएगा, सब ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, चलो आगे। वेस्टर्ली विंड के बारे में पॉइंट क्या होता है, ये थोड़ा सा हॉट विंड है यानी कि गर्म है, शुष्क है, ड्राई है, इसको हम ड्राई, हॉट से ज्यादा ड्राई कर दे, ड्राई विंड है। ठीक है, ड्राई है, ड्राई विंड है। वेस्टर्ली विंड क्या है? ड्राई विंड है, ड्राई है, शुष्क है। ठीक है ना, ड्राई विंड है। चलिए हो गया। अब वेस्टर्ली विंड के बारे में कुछ कुछ पॉइंट आपको हम बताते हैं। क्या पॉइंट है कि यहां पे वेस्टर्ली विंड जब हवा बहती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं बात हो रही है, ये सिर्फ साउदर्न, सिर्फ और सिर्फ साउदर्न, जब साउदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्ली विंड यानी पछुआ हवा बहती है, तो जब वो बहती हुई 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री, ये 40, 50, 60 आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, तो जब बहते हुए 40, 50, 60 डिग्री के आसपास बहती है, तो यहाँ पे इसका नाम है। नाम क्या है? वो नाम मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसका नाम है यहाँ पे 40 डिग्री पे इसका नाम है फ्यूरियस फोर्टीज, सॉरी रोअरिंग फोर्टीज, रोअरिंग फोर्टीज, मैं फोर्टीज लिख देता हूं। 50 डिग्री पे इसका नाम है फ्यूरियस 50s, फ्यूरियस 50s, मैं बोल रहा हूं आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल भी रहा हूं, फ्यूरियस 50s। 60 डिग्री पे इसका नाम है श्रिंकिंग 60s,
श्रिंकिंग 60s, ठीक है। इसका क्या मतलब है पहले ये मैं समझा, तो इसका मतलब ये है कि वेस्टर्ली विंड साउदर्न हेमिस्फीयर में इतनी तेज गति से बहती है, मैं फिर से बताऊं, वेस्टर्ली विंड साउदर्न हेमिस्फीयर में इतनी तेज गति से बहती है कि समुद्रों पे जब वो टकराती है, ठीक है, जब समुद्र के ओशियन के लेयर पे, ऊपरी लेयर पे जब वो टकराती है हवा, तो बहुत तेज गति से बहती हुई टकराती हुई एकदम अजीब सा डरावना सा आवाज निकालती है, जिसको हम रोरिंग 40, चीखता 40 कहते हैं, चीखता 40, गरजता 50, हिंदी वाले बच्चे, चीखता 40, गरजता 50, ठीक है। तो ये तबाही मचाता हुआ जो एक नाम आपको समझ में आ रहा है, ये दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवनों का नाम है। मैं फिर से बताऊं, जहां कहीं भी एग्जाम में आपको कंसेप्ट बताता हूं, जहां कहीं भी एग्जाम में आपको तबाही मचाने वाला नाम आपको समझ में आए, चीखता 40, गरजता 50, कोई ऐसा साठा करके नाम आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि वो दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवनों का नाम है, वेस्टर्ली विंड का नाम है इन साउदर्न हेमिस्फीयर। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब पॉइंट यहां पर यह है कि क्या यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा, ध्यान देखिएगा, आप दुनिया के मैप देखो, मैं हमेशा से कहता हूं कि आपके पास वर्ल्ड मैप का फिजिकल पॉलिटिकल होना चाहिए और आपके पास भारत के मैप का फिजिकल पॉलिटिकल होना चाहिए। जब दुनिया के मैप को देखेंगे, फिजिकल मैप, तो आप क्या देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पछुआ पवनों का जो जगह है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्टिनेंट दिखाई देगा, थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, थोड़े जगह पे अटलांटिक ओशियन और थोड़े से जगह पे पैसिफिक ओशियन। तो वो जब तक अपनी गति में आए, तब तक कोई ना कोई कॉन्टिनेंट आ जाता है और वो चीजें गति टूट जाती है। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में जब आप देखेंगे, तो एकदम कॉन्टिनेंट फ्री आप उसको मिलेगा, एकदम आप वो निकलना कहां से शुरू होगा, अटलांटिक ओशियन से, और अटलांटिक ओशियन से तेजी से निकलता हुआ इंडियन ओशियन में जाएगा और एकदम तेजी से बढ़ता हुआ कहां पहुंच जाएगा, पैसिफिक ओशियन में। बीच में थोड़ा सा कॉन्टिनेंट उसको मिलेगा, लेकिन पैसिफिक ओशियन में उसी गति से पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं गति में रुकावट इसको कम से कम है, नहीं का मतलब कम से कम है साउदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गति का रुकावट ही रुकावट है। इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चीखता 40 और गरजता 50 जैसा शब्द नहीं होगा। यह सिर्फ साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए, इस बात को समझ लीजिए। तो ये हो गया आपके पछुआ पवनों के बारे में जो मैंने आपको बात बताया। मैंने कहा कि थोड़ा सा ड्राई विंड होता है, शुष्क पवन होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है। चलिए अब यहां पे आगे बढ़ते हैं पोलर विंड के बारे में। यह है पोलर विंड, ध्रुवीय पवन, और यह ठंडी है। नाम से ही समझ में आ रहा है, चूंकि पोल से आएगा तो ये ठंडा होगा ही होगा, सिंपल बात है। तो ये कोल्ड होगा, ये हॉट होगा, यानी कि ड्राई है, थोड़ा सा हॉट होगा, ठीक है। तो ये कोल्ड होगा, ये तो बहुत ज्यादा हॉट, ठीक है ना। तो पोलर विंड कोल्ड है, पोलर विंड ठंडी हवा है, इस डायरेक्शन में बहती है। यहां भी पोलर विंड, पोलर विंड ध्रुवीय हवा है, ठीक है। अब एक चीज जो मैं आपके साथ नहीं किया हूं, जो मेरी गलती है, उसको मैं यहां पे दोहराता हूं, सॉरी गलती को नहीं दोहराता हूं, जो गलती है उसको मैं सुधारता हूं, और यहां पे मैं आपको क्या बोलते हैं, डिग्री के साथ काम करते हैं। देखिए यहां पे 10 डिग्री 0 डिग्री है, और इस जगह पे मैं यहां पे करने वाला हूं 30 डिग्री एन, 35 डिग्री एन, 60 डिग्री एन, 65 डिग्री एन, ठीक है। यहां पर तो 90 डिग्री है, ये एन, फिर यहां 30 डिग्री एस, 35 डिग्री एस, यहां पे 60 डिग्री एस, पहले से भी 60 लिखा हुआ है, और 65 डिग्री एस, ठीक है। यहां पर तो 90 डिग्री साउदर्न पोल है, ये नंबरिंग है, इसको समझिएगा। इस नंबरिंग से एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम क्या बात कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। देखो यहां पे मैं थोड़ा सा कलर एक चेंज करता हूं, और एक कलर चेंज करके ये कलर ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर देखिएगा, जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये जो 35 है एन में भी, और 35 जो यहां पर है वो एस में भी, ठीक है, एन में भी और एस में भी।
इस 35 डिग्री जो एन और एस है, या 35 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 35 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों ही हेमिस्फीयर में, दोनों ही गोलार्धों में इस जो लैटिट्यूड है इसका नाम क्या है वो हम बताते हैं और एक कहानी आपको सुनाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड। मैंने कलर चेंज जानबूझ के किया है ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड, इसका नाम क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है ना, नाम समझ में आ गया, इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड है। अब इसका कहानी क्या है वो हम बताते हैं। दरअसल आप देख रहे हैं कि ये एचपी है यानी कि हाई प्रेशर जोन है, और ये भी क्या है, एचपी है यानी कि हाई प्रेशर जोन है, ये बात आप देख रहे हैं। तो पुराने समय में, अब कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, पुराने समय में क्या होता था कि जब शिप कोई भी शिप जो समुद्र से मालवाहक शिप होते थे, जहां सामान वान को ढोने वाला, वो इस लैटिट्यूड से गुजरता था। इस लैटिट्यूड का मतलब 35 एन के आसपास, मैं 35 एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली कोई बात नहीं होती जब आप बड़े पैमाने पर ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। तो 35 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 35 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर के आसपास से जब कोई शिप गुजरती थी तो पुराने समय में उस शिप की स्पीड कम हो जाती थी, कुछ शिप तो रुक भी जाते थे। तो जो ट्रेडर होते थे, ट्रेडर, वो वहां पे थोड़े से क्या बोलते हैं, परेशान हो जाते थे। तो कहते ये हैं कि ट्रेडर कुछ घोड़े को फेंकते थे समुद्र में, कुछ घोड़े को समुद्र में फेंकते थे। ये ऐसी मान्यता थी कि यहाँ पे समुद्र के जो देवता हैं, समुद्र के, क्योंकि यूनानी हिसाब से हर चीज का देवता है, इंडियन हिसाब से भी देवता है, लेकिन यूनानी जो आजकल ईसाई हो गए उनके हिसाब से भी हर चीज का देवता। तो समुद्र के देवता चढ़ावा मांग रहे हैं, समुद्र के देवता क्या मांग रहे हैं, चढ़ावा मांग रहे हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में बलि मांगते हैं। तो बलि मांग रहे हैं, तो वो कुछ घोड़ों को फेंक देते थे उस जगह पे। अब घोड़ों को फेंकने से क्या होता था कि जहाज कुछ हल्का हो जाता था, तो इसलिए जहाज निकल जाता था। तो ये हाई एल्टीट्यूड पे, हाई प्रेशर के लैटिट्यूड पे, लैटिट्यूड पे 35 डिग्री के एन के आसपास, इसका नाम ही हॉर्स लैटिट्यूड कर दिया गया इसी कहानी की वजह से, कि कोई भी ट्रेडर, अब इसके बाद क्या बन गया पता है, एक तरीके का परिपाटी जिसको बोलते हैं ट्रेडिशन बन गया, कि कोई भी जो ट्रेडर होगा जब अपने शिप को लेके जाएगा, दो चार घोड़े वोड़े या छोटे मोटे कुछ लेके जाएगा, घोड़े टाइप का टट्टू बट्टू, और उसको वहां फेंकेगा, क्योंकि वो उसको मानना है कि वहां पे एक चढ़ावा है समुद्र के देवता का। तो ये चूंकि पहले से चली आ रही कहानी थी, इस वजह से ये चलती चली आ रही। अब आज तो ऐसा नहीं है, आज तो पता नहीं कितने हॉर्स पावर के शिप चलते हैं जो कैसे भी लो प्रेशर और हाई प्रेशर को तोड़ते हुए आगे निकल जाता है। तो आज तो ऐसा कुछ बात है नहीं, लेकिन ये हजारों साल पहले की कहानी है, जब इंसान शिप को चलाता था उस समय की ये कहानी है, ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। तो इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया, है ना। तो ये आपका थोड़ा सा पॉइंट है जिसको आप एक बार समझिएगा। यहां पर जो आपको दिखाई दिया प्रेशर के साथ हवाओं के बारे में, तीन हम यहां पे परमानेंट बिन के बारे में बात किया, दैट इज ट्रेड बिन, दैट इज वेस्टर्ली बिन जो येलो कलर से है, और पोलर बिन दैट इज व्हाइट कलर से, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे कुछ बिन्स के बारे में बात किया, परमानेंट बिन के बारे में जो आपको दिखाई दे रहा है, कुछ एग्जाम के क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे, ट्रेड बिन वगैरह के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, डोल्ड्रम क्वेश्चन एग्जाम का पूछा है तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा। अब हम थोड़ा सा आपको टेम्पोररी बिन के बारे में बात करते हैं, टेम्पोररी बिन के बारे में। जब हम टेम्पोररी बिन के बारे में बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि मौसमी होता है, जो मानसूनल बिन होता है एक, और यहाँ पे देख लीजिए, अब चूंकि इसको हम बात करेंगे जब हम भारत में मॉनसून की बात करेंगे, तो अभी हम लैंड ब्रिज सी ब्रिज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है लैंड ब्रिज सी ब्रिज, और कुछ लोकल विंड हॉट और कोल्ड के बारे में बात यहां पे कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में, ठीक है। देखिए यहां पे लिखता हूं लैंड ब्रिज, और यहां पे लिखता हूं मैं सी ब्रिज, लैंड ब्रिज सी ब्रिज, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक छोटा सा फोटो बनाता हूं, ठीक है। देखिए ये पानी है, यानी कि ये सी है, ठीक है ना। और ठीक इसी तरीके से एक और तस्वीर मैं यहां पे बनाता हूं,
ये भी आपका वाटर है, पानी है, यानी कि सी है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे सी, और यहां पर भी मैं लिख देता हूं सी, और ये है आपका लैंड, ये है आपका लैंड। अब लैंड ब्रिज में क्या होता है, इस बात को समझिएगा, लैंड ब्रिज में क्या होता है कि हवाएं, अच्छे समझिएगा, नाम से पता चल जाएगा, हवाएं, मैंने आपको क्या कहा था कि हवा जहां से आती है और जिस तरफ जाती है, ठीक है, तो नाम उसी का होता है। जैसे पश्चिम से आई और पूर्व की तरफ गई तो उसका नाम पछुआ पवन है, पूर्व की तरफ से आई और पश्चिम की तरफ गई तो उसका नाम पूर्वा है। तो यहां पर भी आप ध्यान रखिएगा कि हवाएं अगर लैंड से शुरू हुई और ओशियन की तरफ गई, सी की तरफ गई, तो इसका नाम है लैंड ब्रिज। जमीन से शुरू हुई, ठीक है, दूसरे कलर से भी कर दूं, जमीन से शुरू हुई और अगर सी की तरफ गई, दैट इज लैंड ब्रिज, ठीक है। और यहां पे देखिएगा, अगर सी से शुरू हुई यानी समुद्र से शुरू हुई और जमीन की तरफ गई, ठीक है, सी से शुरू हुई और जमीन की तरफ गई, दैट इज सी ब्रिज, जिसको हम यहां पे बोलते हैं हिंदी में समुद्री समीर, और इसको बोलते हैं स्थलीय समीर, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो देखो, नाम से समझिए, अगर समुद्री समीर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि समुद्र से शुरू होगा और कहां जाएगा, जमीन की तरफ जाएगा, और अगर लैंड ब्रिज आपसे क्वेश्चन पूछा तो जमीन से शुरू होगा और समुद्र की तरफ जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से अपने मन में, मस्तिष्क में बैठा लीजिए, ठीक है, अपने मन मस्तिष्क में इसको बैठा लीजिए, हो गया पॉइंट। अब यहां पे ये चीजें तो मैंने आपको एक समझाने के लिए कह दिया, लेकिन इसका एक टेक्निकल पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट क्या है वो हम बताते हैं। टेक्निकल पॉइंट ये है कि जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि हवाएं हमेशा एचपी से एलपी की तरफ बहती है, तो अगर एचपी से एलपी की तरफ बहती है तो अब आप हमें बताइए, मैंने जानबूझ करके एचपी एलपी नहीं लिखा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें आपको थोड़ा सा एक पॉइंट से समझाना होगा, ठीक है, और जहां आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सके, तो आप हमें बताइए कि हवाओं के डायरेक्शन बता दे करके कि एचपी किस तरफ होगा और एलपी किस तरफ होगा, हवाओं के डायरेक्शन बता के। अब यहां पे देखते हैं कि हवाएं सी की तरफ जा रही हैं जमीन से, तो 100% जो यहां पे ध्यान रखिएगा, 100% बात मैं कह रहा हूं, 100% बात है कि एचपी जमीन पे होगा और एलपी समुद्र में होगा, तभी तो एचपी से एलपी की तरफ हवाएं गई। अब यहां पे जब बात करते हैं तो 100% एचपी समुद्र में होगा और एलपी जमीन पे होगा, 100%। तो एचपी से एलपी, एचपी से एलपी, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को और बढ़िया समझते हैं, ये समझ में आ गया ना, ठीक है ना, एचपी से एलपी हवा बहती है, और लैंड ब्रिज का मतलब जमीन से समुद्र की तरफ हवा बहेगी, और सी ब्रिज का मतलब समुद्र से जमीन की तरफ हवा बहेगी। अब इस कॉन्सेप्ट को दो तरीके से समझते हैं, सीजनल है, ठीक है, चेंज होते रहता है। तो होता यह है कि सीजन में, गर्मी के समय में, ठंडी के समय में चीजें बदलती है, दिन में और रात में भी चीजें बदलती है, दोनों तरीके से ये वर्क करती है। कैसे, आपको बताते, पहले दिन रात से आपको समझाते हैं, बड़ा आसान तरीके से समझ में आएगा। दिन के समय में, ध्यान से समझिएगा, दिन के समय में जमीन, गर्मी में आप देखिएगा जमीन और पानी दोनों को आप गर्म करना चाहें गर्मी के समय में, तो जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, पानी लेट से गर्म होता है। उसके बाद जब ठंडा होने का समय आएगा तो पानी उतने ही ठंडे धीरे से ठंडा होगा और जो जमीन होगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जब जल्दी गर्म हो जाएगा दिन के समय में जमीन, तो जमीन गर्म हो गया, गर्म होने का मतलब एलपी हो गया, लो प्रेशर हो गया,
और इन कंपैरिजन टू वाटर, चूंकि एक ही समय में आप बोलेंगे सर समय अलग अलग, एक ही समय में समुद्र पे और जमीन पे सूरज का रोशनी एक ही समय में पड़ रहा है, उस एक ही समय में जमीन एलपी हो जाएगा और समुद्र एचपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जमीन जल्दी गर्म हो जाएगा और समुद्र धीरे धीरे गर्म होगा, तो जमीन से समुद्र की तरफ समुद्र से जमीन की तरफ हवा बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन में समुद्र लेट से गर्म हो रहा है तो वहां पे एचपी बन जाएगा और जमीन जल्दी गर्म हो गया तो वहां पे एलपी बन जाएगा। तो सीवरेज किस समय होगा? दिन के समय में, सन दिन में और गर्मी में। इसलिए कोस्टल इलाका में रहने वाले लोग जब वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो समुद्र से हवाएं कोस्ट की तरफ आती हैं, समुद्र से हवाएं कोस्ट की तरफ आती हैं गर्मी में। क्यों? क्योंकि समुद्र में कंपैरेटिवली कंपैरिजन में, देखो यहां पे ये मत समझ जाए कि एलपी एचपी मतलब एकदम ठंडा गर्मी, ऐसा कुछ नहीं है। कंपैरेटिवली जमीन लो प्रेशर में होता है और पानी यानी कि समुद्र हाई प्रेशर में होता है, तो समुद्र से हवाएं जमीन की तरफ आती है और चूंकि कंपैरेटिवली वो थोड़ी सी कम प्रेशर की होती है, थोड़ी ज्यादा प्रेशर की है यानी कि थोड़ी उसमें ठंडापन ज्यादा है, तो वो हवाएं समुद्र के आसपास के कोस्टल इलाका को भी कंपैरेटिवली टेम्परेचर में लो रखती है। इस वजह से कोस्टल इलाका में टेम्परेचर जो है ना यूनिफॉर्म बना रहता है, दिन में भी आप देखिएगा कि 25-26 होगा, रात के समय में यही पॉइंट जमीन जल्दी ठंडा हो जाएगा तो वहां पे एचपी जोन हो जाएगा। यहाँ पे मून कर देता हूं, मून यहाँ पे सन का मतलब दिन, यहाँ पे मून मतलब रात। अब ठंडी का मतलब एक्सट्रीम ठंडी में समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिए। अब रात के समय में क्या है, जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी, जब जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी और पानी लेट से ठंडा होगा तो कहीं ना कहीं जमीन बन जाएगा क्या यहाँ पे एचपी और पानी क्या बन जाएगा एलपी, तो जमीन से हवाएं किस तरफ चलने लगेगी, समुद्र के सब तरफ चलने लगेगी। तो पॉइंट को समझिएगा, यहाँ पे समुद्री इलाका में जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता है उसके पीछे स्थल समीर और समुद्री समीर का योगदान होता है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। और यही चीज आप गर्मी और ठंडी में भी जोड़ सकते हैं, इसी चीज को गर्मी और ठंडी से कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने दिन और रात से आपको कनेक्ट करा दिया है, ठीक है। अगर किसी को ये लगता है कि नहीं सर पानी लेट से ठंडी जल्दी ठंडी होता है, जमीन लेट से ठंडा होता है, तो तुम बेवकूफ हो। कभी टंकी में गर्मी के समय में पूरा टंकी पानी भर दो दोपहर में 12 बजे और पूरा दिन, या फिर सुबह में भर दो पूरा दिन गर्मी में छोड़ दो, उस रात में छोड़ो कल होकर के सुबह में उस टंकी के पानी से नहाओ, तुमको गर्म पानी मिलेगा। पानी लेट से ठंडा होता है, लेट से गर्म होता है, जमीन जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, ठीक है। तो ये समुद्री समीर और स्थलीय समीर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा बात कर लिया, जो सीजनल विंड में यहाँ पे हमने आपको बताया था। मानसूनी विंड नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम उसको भारत के मानसून के समय में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ लोकल विंड्स के बारे में बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, है ना। लोकल विंड, लोकल विंड में बताया था मैंने दो प्रकार के, हॉट और कोल्ड। तो कुछ हॉट विंड के बारे में हम बात कर ले, फिर कुछ कोल्ड विंड के बारे में आपसे हम बात कर लेंगे। तो कुछ हॉट विंड का लिस्ट यहां पे मैं लिख देता हूं। एक है चिनूक, कहां बहती है, लोकेशन हॉट और लोकेशन, ये बहती है रॉकीज यानी कि यूएसए रॉकीज माउंटेन पे, ठीक है। दूसरा है फॉन, ये कहां बहती है, एल्प्स। ये क्वेश्चन रॉकीज और एल्प्स से ही पूछ दिया, इस वजह से मुझे रॉकीज और एल्प्स लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ये कहां होगा, तो फॉन है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए उसके बाद एक है गिबली, गिबली, गिबली कहां है, लीबिया। उसके बाद है खमसीन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, खमसीन, खमसीन से क्वेश्चन कई बार पूछा है बेटा, ध्यान रखना खमसीन। खमसीन कहां है, मिस्र इजिप्ट। और खमसीन किस तरह का विंड है, हॉट विंड, ठीक है।
खमसिन गिबली, उसके बाद है एक चिली ट्यूनिशिया, मिर्च लग गया ठीक है ज्यादा गर्मी से, ट्यूनिशिया ठीक है ना। चलिए एक है योमा जापान, जापान अच्छे इंग्लिश बोलने वाले जापान बोलते हैं, चलो ठीक है जापान हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं और कौन कौन सा पिंड है, सामन ईरान, आप मेरे साथ लिख सकते हैं सामन ईरान। उसके बाद हरमट्टन बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई, हरमट्टन ये इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, डॉक्टर विंड इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, हरमट्टन को डॉक्टर विंड। ये कहां है, गिनी, गिनी ठीक है। उसके बाद है नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, न्यूजीलैंड नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड ठीक है। उसके बाद एक और पिंड के बाद बात करते हैं हम लोग, लू भारत, ऑस्ट्रेलिया में लू का मतलब शौचालय होता है। चलो ऑस्ट्रेलिया का नाम लिए तो ऑस्ट्रेलिया का लिख लेते हैं, ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ठीक है। चलिए तो ये हो गया कुछ हॉट विंड, ये हो गया कुछ हॉट विंड लोकेशन के साथ ठीक है। मैं बड़ा कर देता हूं, आपने बड़ा में लिख लिया है तो ये हॉट विंड हो गया कुछ लोकेशन के साथ। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कोल्ड विंड के बारे में, कोल्ड विंड और लोकेशन। कोल्ड विंड में पहला मिस्ट्रल फ्रांस, आप बड़ा बड़ा मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे ठीक है। बोरा इटली, बोरा इटली। ब्लिजार्ड यूएसए, यूएसए कनाडा, कनाडा। चलिए ब्लिजार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवेंटियर स्पेन, लिवेंटर स्पेन ठीक है। तो यहां पे तीन चार मैंने आपको कोल्ड विंड लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, मिस्ट्रल इंपॉर्टेंट है, लिवेंटियर इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे हॉट विंड हमने लिखा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे हॉट विंड भी हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसको आपने लिख लिया होगा मेरे साथ आई होप ठीक है, हॉट विंड लोकेशन ठीक है ना। वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने आपको कुछ लोकल विंड के बारे में बात कर दिया जो कि हॉट भी और कोल्ड भी दोनों के बारे में बात कर लिया। उससे पहले सीजनल विंड के बारे में बात की जिसमें हमने आपको सी ब्रिज और लैंड ब्रिज की बात की, और उससे पहले हमने परमानेंट विंड की बात की जिसमें ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड और पोलर विंड के बारे में बात किया। चीखता चालीसा, ग्रस्ता पचासा, हॉर्स लैटिट्यूड और डायरेक्शन और डोल ड्रम, इस सब के बारे में बात किया, डिग्री वगैरह सब के बारे में बात किया। अब क्या है कि आप एक बार मैप पे इस जो ट्रेड जो मैंने आपको परमानेंट विंड का ग्लोब दिखाया है ठीक है, उसको आप एक बार इसको इस ग्लोब को एक बार मैप में देखेंगे और मैप में देख करके चीजों को एनालाइज करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे हम मतलब इससे हम आपको साइक्लोन समझाएंगे, इसी से ठीक है, इसी से हम आपको साइक्लोन समझाएंगे, सबको मिटा करके
और साइक्लोन को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बात करने वाले हैं साइक्लोन के बारे में, चक्रवात के बारे में। एक बार ध्यान रखिएगा कि चक्रवात से पहले हम लोगों ने बहुत सारे चीजों के बारे में बात किया है, खास करके एटमोस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात किया है, कंपोजिशन के बारे में बात किया है, विंड्स के बारे में बात किया, जो पीछे के हम लोगों ने अध्याय में पीछे के हम लोगों ने टॉपिक में बात किया था, उसको एक बार देख लीजिएगा। हालांकि हम कुछ चीजों को रिविजन जरूर करेंगे, मैप वगैरह से ग्लोब वगैरह को दिखा करके एक बार फिर से हम आपको कुछ बताने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, चक्रवात के बारे में अगर हम बात करें तो चक्रवात क्या होता है, तो दरअसल ये तेज हवा का एक झोंका तो नहीं कह सकते, तेज हवा एक चलती है जो अपने साथ बादल भी लेकर के आती है, यानी अपने साथ बारिश भी लेकर आती है, जो कि एक तबाही जैसा मंजर होता है। मानव को बहुत ज्यादा तबाही झेलना पड़ता है इस चक्रवात से, जान भी गंवानी पड़ती है और धन यानी कि एसेट्स की भी तबाही होती है, जैसे जानवरों की तबाही, खेतों की तबाही, घर गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, तो चक्रवात इस तरह की चीजें होती हैं। खैर, हम इसे रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इससे बचने का उपाय जरूर वैज्ञानिक और सरकार करने की रोज कोशिश करते हैं। हम रोक इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ नेचुरल जो घटनाएं होती है उसे आप रोक नहीं सकते हैं, उससे बचने के उपाय निकाल सकते हैं, आप रोक नहीं सकते। जैसे ठंडी से बचने के उपाय स्वेटर है, ठंडी को नहीं रोक सकते हैं, गर्मी से बचने के उपाय पंखे हैं या फिर आप एसी लगा लेते हैं अगर आपके पास पैसे है तो, लेकिन आप उस गर्मी को रोक नहीं सकते हैं। तो उसी तरीके से नेचर को हम रोक नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है, हम चक्रवात के बारे में कुछ बात करते हैं आपके साथ। देखिए, नॉर्मली चक्रवात या साइक्लोन जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टेम्परेट साइक्लोन और दूसरा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। जब टेम्परेट साइक्लोन की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है हिंदी में शीतोष्ण चक्रवात, मैं लिख देता हूं, ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात इसको बोलते हैं, शीतोष्ण चक्रवात। और जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं उष्ण चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या उष्ण चक्रवात, ट्रॉपिकल, ठीक है। अब चूंकि टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन आप जानते हैं क्योंकि मैंने क्लास के यानी कि ज्योग्राफी जब हमने शुरू किया था तो सबसे पहले हमने टेम्परेट और क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल या फ्रीज जोन के बारे में बात किया था मैं ग्लोब को दिखा करके, तो उसी तरीके से चूंकि आप इसे फैमिलियर है और फिर से हम ग्लोब दिखा करके आपको उस चीज को रिकॉल कराएंगे तो थोड़ा सा ध्यान इसको दीजिएगा। तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों चक्रवात के छोटा सा अंतर होता है, दोनों ही चक्रवात में छोटा सा बनने का अंतर होता है, छोटा सा उसके कुछ कैरेक्टर में अंतर होता है, छोटे छोटे अंतर होते हैं, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है। फिर भी जो कुछ कॉमन चीजें हैं वो हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, क्या बोलते हैं चक्रवात के कुछ कॉमन चीजें, कॉमन चीजें का मतलब होता है और ये एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि कॉमन चीज ज्यादा एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, वहां पे ट्रॉपिकल या टेम्परेट लिख करके आपको जरूर परेशान करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन कुछ कॉमन चीज है। जैसे कि पहला कॉमन चीज है कि साइक्लोन का जो सेंटर होता है वो हमेशा लो प्रेशर जोन होता है, हमेशा मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लो प्रेशर जोन होगा साइक्लोन का सेंटर होगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा, इसलिए मैंने यहाँ पे VVI लिखा है और इसलिए इसको पहले ही मैंने यहाँ पे डाला है कि ये एग्जाम में कई बार ही पूछा है, ठीक है। अब आप जानते हैं क्योंकि साइक्लोन का सेंटर लो प्रेशर जोन है और आपने पिछले वीडियो में आपने देखा है कि किस तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती हैं, तो साइक्लोन के बाहरी जो आवरण है वो हाई प्रेशर है, साइक्लोन के अंदर यानी कि सेंटर क्या है लो प्रेशर है, तो बाहर से अंदर की तरफ हवाएं आती है यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम का आया है, इसको मैं मैप दिखा कर आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और मैं आपको बता भी दूं क्वेश्चन क्या आया है कि साइक्लोन में हवाएं कैसे आती है, तो बाहर से अंदर की तरफ आती है, अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर की तरफ आती है, क्योंकि नीचे लो प्रेशर है, बाहर हाई प्रेशर, हाई से लो हवा आएगी, तो अंदर से बाहर से अंदर। चलिए, इसको मैं भी दिखाऊंगा, बता भी दिया मैंने। दूसरा पॉइंट है कि आई ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन की जो आंख होती है वो काल्म एंड क्लाउडलेस एरिया होता है, और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा है। काल्म एंड क्लाउडलेस का मतलब होता है कि शांत और बादलहीन क्षेत्र होगा, यानी कि आप ऐसे समझिएगा कि साइक्लोन यहां है, चारों तरफ बारिश हो रही है, लेकिन किसी एक जगह पे, मतलब अब चूंकि साइक्लोन इतना छोटा तो होता नहीं है, अरे वो 30 35 40 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की पूरा उसका परिधि होती है, तो चारों तरफ बारिश हो रही है आप सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी एरिया में 10-20 किलोमीटर में बारिश ना हो साइक्लोन के समय में, तो समझ लीजिए कि वो साइक्लोन है का आई का एरिया था, साइक्लोन के आंख का एरिया था, इसलिए उस जगह पे बारिश नहीं हुई। तो साइक्लोन का आई जो होता है ना क्लाउडलेस एरिया होता है, बिल्कुल शांत एरिया होता है। चलिए ठीक है,
अगर साइक्लोन की अगर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से यानी कि उसके रोटेशन के हम समझे तो हम ये देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज होता है। याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, जिस गोलार्ध में हम हैं वहां पे एंटी क्लॉकवाइज, और साउदर्न गोलार्ध में साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा क्लॉकवाइज। इस बात को ध्यान रखिएगा और इसका भी मैप बना करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन चीजों पे हम आए उससे पहले हम बात करेंगे टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो थोड़ा सा आप एक ग्लोब को देखेंगे, ये आपके सामने में ग्लोब है, उसमें एक हमने भारत का भी तस्वीर रखा है ताकि आपको अंदाजा हो कि भारत मुख्यतः किस साइक्लोन के रीजन में आता है और ग्लोब में कहां पे कौन से साइक्लोन है। हालांकि हमने आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट शब्द बोल दिया है तो आपके मन में चलने लगा होगा या चलना चाहिए कि कहां पे ट्रॉपिकल और कहां पे टेम्परेट है। बावजूद इसके हम आपके मैप पे तो जरूर आएंगे। चलिए हमने ग्लोब एक यहां पे रखा है और ग्लोब से बात करते हैं। ये जो यहां पे है ये 0 डिग्री है, देखिए ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं इक्वेटर, इसको क्या बोलते हैं इक्वेटर, हमेशा हमने बात करते रहे इक्वेटर। तो इक्वेटर के विषुवत रेखा के नॉर्थ में यानी कि विषुवत रेखा के नॉर्थ में हम क्या बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और विषुवत रेखा के साउथ में हम क्या बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए आप देखिएगा कि नॉर्थ के जितने भी आप डिग्री देखेंगे सब में मैंने एन लगाया है, एन 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 एन, और साउदर्न हेमिस्फीयर के जितने डिग्री सब मैंने एस लगाया, एस एस एस। पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये एन है और ये एस है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और साउदर्न हेमिस्फीयर है। आप भी डिग्री जब भी लिखेंगे तो एन और एस को डिनोट जरूर करेंगे ताकि लोग देखने वाला समझ जाए कि साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप हम साइक्लोन को यहाँ पे आपको बताते हैं, देखिए क्या क्या कहाँ कौन सा है। ये जो साइक्लोन का एरिया है ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री और फिर इधर 5 डिग्री से 30 डिग्री, यहां पर जो साइक्लोन के एरिया देख रहे हैं ये दरअसल आपको बताना चाहिए मेरे को, लेकिन चूंकि मैं बता रहा हूं तो मुझे बता देने दो, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया है ये, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन का एरिया है 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक उसी तरीके से 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच में जो साइक्लोन है वो टेम्परेट साइक्लोन है, टेम्परेट शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन है। तो यहां पर भी मैं टेम्परेट लिख दूं, टेम्परेट साइक्लोन है, शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन है। अब पॉइंट यहां पर यह है कि चूंकि मैंने शुरू में ही यानी कि जब हम ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू कर रहे थे उसी समय हमने आपको बताया था कि किस तरीके से क्या बोलते हैं कहां ट्रॉपिकल जोन है कहां टेम्परेट जोन है, कहां उष्ण कटिबंध है कहां शीतोष्ण कटिबंध है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और यह है आपका बीच में यानी कि 0 डिग्री के बीच में, मैंने आपको कल ही बताया था ये डोल्ड्रम का एरिया है, ये क्या है डोल्ड्रम का एरिया है यहाँ पे, और इस एरिया में साइक्लोनिक एक्टिविटी नहीं होती है ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि डोल्ड्रम खुद एक शांत पेटी है, डोल्ड्रम खुद एक शांत जोन है, ठीक है ना। तो इस एरिया में साइक्लोनिक एक्टिविटी नहीं होती है। अब चूंकि भारत का तस्वीर यहाँ पे सामने में दिख रहा है आपको, भारत का एक मैप है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का जो मैक्सिमम एरिया है कौन से जोन में है। तो भारत का मैक्सिमम एरिया आप ट्रॉपिकल साइक्लोन के जोन में, ट्रॉपिकल साइक्लोन के जोन में। तो अब हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और टेम्परेट साइक्लोन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम दोनों के बारे में आपसे यहां पे बात करने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके, और मैप पे भी आपको हम समझाते हुए चलेंगे, हम आपको हटाएंगे नहीं यहां पे मैप से। देखिए यहां पे मैंने आपको टेम्परेट साइक्लोन के बारे में बताया कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले टेम्परेट साइक्लोन को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब होता है ट्रॉपिकल जोन से ऊपर, ट्रॉपिकल जोन से ऊपर, या साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें यानी दक्षिणी गोलार्ध की बात करें या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें यानी कि उत्तरी गोलार्ध की बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट कोई बहुत विशेष महत्व नहीं रखता है। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है कि 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में ये टेम्परेट साइक्लोन है, और वो बात हमने आपको बता दिया कि कहां पे आपको टेम्परेट साइक्लोन दिखाई देगा, ये चीजें हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस जगह पे। अब यहां पे पॉइंट है कि साइक्लोन का निर्माण कैसे होता है टेम्परेट साइक्लोन का, तो उसको बताना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको यहां पे आपको बताता हूं टेम्परेट साइक्लोन के निर्माण और इसका डायरेक्शन।
देखिए, जब हम टेम्परेट साइक्लोन के या टेम्परेट साइक्लोन जब टेम्परेट साइक्लोन के निर्माण की बात करते हैं, बड़ा गौर से मेरी बात को समझिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। और कल जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था एयर प्रेशर और विंड, उसको भी एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसको मैं दोहरा रहा हूं। अब बड़ा गौर से देखिएगा, प्लीज बहुत गौर से देखिएगा, और देखिएगा कैसे मैं आपको आसान तरीके से चीजों को समझा देता हूं। देखिए, जब टेम्परेट साइक्लोन के निर्माण की बात करते हैं, तो ये साइक्लोन का निर्माण दो एयर मासेज यानी कि दो तरीके की हवाओं से होती है, दो तरीके की विंड से होती है, दो तरीके की हवाओं से होती है। बहुत गौर से समझिएगा, एक विंड होता है गर्म हवा, गर्म। अब मैं आपको एक विंड बनाता हूं, और कमेंट में शायद आप नाम लिख सकते हैं उस विंड का कौन सा है। हॉट विंड है, इसलिए मैंने रेड कलर से बनाया है। हॉट विंड है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से बनाया है, ठीक है। दो तरीके की हवाओं से होती है, दो तरीके की हवाओं से। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये है आपका वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड जो कि हॉट एंड ड्राई है। हॉट एंड क्या है? ड्राई है, वेस्टर्ली विंड। वेस्टर्ली विंड जो कि क्या है? हॉट एंड ड्राई है, ठीक है। यह क्वेश्चन अपने आप में पूछा है कि कौन सा हवा शुष्क हवा है, ड्राई का मतलब शुष्क होता है, तो पछुआ पवन है, इसको पछुआ पवन बोलते हैं हिंदी में, पछुआ पवन। अब देखिएगा, एक दूसरा हवा हम यहां पे बना रहे हैं, हरा कलर से ले लेता हूं मैं, या नीला कलर से ले लेता हूं, जो कि कोल्ड विंड है। कोल्ड विंड है, ठीक है। और ये क्या है? पोलर विंड। कोल्ड है, पोलर विंड है, पोलर विंड है, ठीक है। मैं यहां पे भी ले लू कोल्ड, पोलर विंड कोल्ड है। तो जो घटना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, वही घटना साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, तो उसको लेकर के चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर दूं जानबूझ करके, ताकि आपको दिखाई दे ये कलर, ठीक है, क्योंकि दिखाई नहीं देने से ठीक नहीं होता है। तो दिखाई दे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पोलर विंड, पोलर विंड, और ये कोल्ड है, ठीक है, दिखाई दे, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया। अब देखिए, ये टेम्परेट साइक्लोन का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले दो तरीके के एयर मासेस, कौन? गर्म और ठंडी। गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से टेम्परेट साइक्लोन का निर्माण होता है, पहला पॉइंट तो ये। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो गर्म और ठंडी कर लीजिएगा, क्वेश्चन और डिफाइन तरीके से पूछेगा तब क्या कहेंगे कि वेस्टर्ली गर्म हवा यानी कि पछुआ गर्म हवा और पोलर कोल्ड विंड यानी कि ध्रुवीय ठंडी हवा के मिलने से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। मैं फिर से बताऊं, पछुआ गर्म हवा और ध्रुवीय ठंडी हवा के मिलने से क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्ली हॉट विंड एंड पोलर कोल्ड विंड के मिलने से। अब ये होता क्या है कि दरअसल ये हवाएं जब आगे की तरफ बढ़ती है, ये हवाएं जब आगे की तरफ बढ़ती है और दोनों कन्वर्ज करते यानी कि एक दूसरे से मिलती है, तो एक दूसरे से मिलने के क्रम में आप जानते हैं कि गर्म हवाएं की टेंडेंसी क्या होती है, ऊपर उठने की। तो मैं यहां पे बताता हूं इसको ऐसे करके, गर्म हवाएं की टेंडेंसी होती है ऊपर उठने की और ठंडी हवाएं की टेंडेंसी होती है नीचे की तरफ गिरने की, नीचे की तरफ आने की ठंडी हवाओं की टेंडेंसी होती है। तो ठंडी हवा क्या करेगी, गर्म हवा को नीचे की तरफ धकेलने लगेगी, तो गर्म हवा क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ। और फाइनली ठंडी हवाएं जब गर्म हवा को धकेल करके एक तरीके का सर्कल बना देगा, तो ये सर्कल जो है ना आपका क्या हो जाता है, चक्रवात हो जाता है, और गर्म हवाएं ऊपर के ऊपर की तरफ ये बहते रहेगा। ये पॉइंट इसको समझिएगा, ठीक है। तो गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं जब एक दूसरे से मिलती है, तो गर्म हवाएं की टेंडेंसी ऊपर उठने की होती है, ठंडी हवा की टेंडेंसी नीचे जाने की होती है, और ये नीचे जाने के क्रम में गर्म हवा को दबाते हुए ऊपर की तरफ भगाते हुए ठंडी हवाएं एक पूरा सर्कल बना लेती है, और वहां पर चक्रवातों का निर्माण
निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, चक्रवात के निर्माण का ये जो साइकिल है ये 7-8 तस्वीरों में बताया जाता है। अगर आप हायर एग्जामिनेशन के लिए बात करें या हायर क्लासेस के बारे में बात करें, यहाँ पर चूंकि एसएससी के लिए मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि या बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, हालांकि बता तो मैंने पूरा दिया है कि ठंडी हवा और गर्म हवाओं के मिलने से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। हर चीज कंसेप्ट पे है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि ये ऊपर जाएगी और इसका निर्माण इस जगह पे हुआ है, तो यहां पे मैं एक बार निर्माण कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे निर्माण हुआ। अब आप देखिए कि हवाएं, ये जो चक्रवात है, जो इसका सेंटर एलपी है, मैं यहां पे लिख देता हूं एलपी है, सेंटर एलपी होता है, लो प्रेशर जोन होता है। तो ये जो चक्रवात है ये किस कौन से हवाओं के डायरेक्शन में, आप देखिए किस हवाओं के, तो पछुआ पवनों के डायरेक्शन में है। तो पछुआ पवनों के डायरेक्शन में होने के कारण इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो शीतोष्ण चक्रवर्ती हवाओं का, सॉरी चक्रवात का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब आप बोलेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ क्यों, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड। पॉइंट यहां पर है कि ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड द डायरेक्शन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सिंपल। ठीक है, और यहां पे पॉइंट आप देख रहे हैं और मैप पे भी आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहां पे साइक्लोन का निर्माण हो रहा है, एलपी जोन है और ये साइक्लोन वेस्टर्ली विंड के इन्फ्लुएंस में है, तो ये साइक्लोन को इधर लेके जाएगी, यानी कि पूर्व की दिशा में लेकर के जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ये एक पॉइंट हो गया। तो ये बात यहाँ पे चक्रवर्ती चक्रवात और उसका डायरेक्शन की बात कर लिए, तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा था, इट क्रिएट ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ टू कंस्ट्रक्शन एयर मासेस, वार्म एयर मासेस एंड कोल्ड एयर मासेस। जो वार्म एयर मासेस है वो पछुआ पवनों का है और जो कोल्ड एयर मासेस है वो किसका है, वो पोलर यानी कि ध्रुवीय पवनों का है। ठीक है, चलिए, इट मूव्स ईस्टर्ली यानी कि पूर्व की दिशा में भागती है, क्यों पूर्व की दिशा में जाती है, फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड, पछुआ पवनों इन्फ्लुएंस के कारण ये पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ, सॉरी पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ जाती है। ठीक है, आप देखिएगा, यही बात तो हमने आपको बताया है, यही बात तो हमने आपको बताया है कि किस तरीके से ये पछुआ पवनों के डायरेक्शन के इन्फ्लुएंस के कारण इसका जो गति है, इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, ये होगा पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। यह बात याद में आप ध्यान में रखेंगे, यह बिल्कुल कंसेप्ट है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग किस साइक्लोन का, ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आप देखिएगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का निर्माण, यहां पे दूसरे कलर ले लेता हूं, ट्रॉपिकल साइक्लोन का निर्माण ट्रेड विंड के एरिया में होता है। इस पॉइंट को आप देखिएगा, और भारत किस एरिया में है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको बना भी सकते हैं कि भारत का एरिया क्या है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का निर्माण ट्रेड विंड के एरिया में होता है, ट्रेड विंड का एरिया, ट्रेड विंड के एरिया में। अब अगर ट्रेड विंड के एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन का निर्माण होता है, मैं एक साइक्लोन यहां पे बना दूं, मान के चलो कि मैं इस साइक्लोन को यहां पे बना देता हूं, इसको बना देता हूं, यहां पे दोनों एलपी होगा, बीच में क्या होगा, एलपी जोन होगा, बीच में एलपी जोन होगा और बाहर से, ठीक है, ये साइक्लोन है। ठीक, उसी तरीके से यहां भी एक साइक्लोन बना सकते हैं हम, ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहां भी एक साइक्लोन बना सकते हैं, मान के चलो यहां एक साइक्लोन बन गया, बीच का एरिया क्या होगा, तो बीच का एरिया होगा एलपी। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब अगर इस जगह पे अब साइक्लोन कैसे बनेगा वो हम बताएंगे, लेकिन अगर इस जगह पे साइक्लोन बन रहा है, आप देखिए ट्रेड विंड के एरिया में, तो इस साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होगा, तो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड, यानी कि ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में आने के कारण इस साइक्लोन का दिशा होगा
पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा, ये भारत है और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ साइक्लोन आ रही है। और आप याद कीजिए कि जो भारत के साइक्लोनिक इफेक्ट है, सब बताऊंगा मैं आपको मैप पे और लिखा हुआ मिल जाएगा, भारत का जो साइक्लोनिक इफेक्ट है वो कहां होती है, देखो यहां पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया में, यहीं पे होता है ना भारत में साइक्लोनिक इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रही है और जब पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रही है तो भारत के पूर्वी तटियों से टकराएगी और वहां पे तबाही लाएगी, समझ गया ना, तो तबाही लाएगी। लेकिन क्यों क्यों पूर्व से पश्चिम है, तो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड, चूंकि ट्रेड विंड के एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन का निर्माण हुआ है तो वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ बहेगी। चलिए ठीक है, इस बात को मैं एक बार आपको बताता हूं कंसेप्ट से, ठीक है। देखिए यहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में मैंने क्या कहा कि साइक्लोन डेवलप इन द रीजन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये साइक्लोन डेवलप होता है। ये बात हमने आपको बताया, 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर, तो कहीं ना कहीं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है। अब भारत में ये साइक्लोन अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में होता है। आप जानते हैं कि साइक्लोन की एक्टिविटी से किस तरीके से हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उड़ीसा के तटों पे भारी बारिश होती है। अराउंड द आईटीसीजेड वार्म ओशियन सरफेस सर सोर्स ऑफ एनर्जी इज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब ये पॉइंट हमको यहां पे आपको समझाना है साइक्लोन के बारे में। देखिए जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का निर्माण मुख्य रूप से कहां होता है, ओशियन पे होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का निर्माण मुख्य रूप से ओशियन पे होता है, ठीक है। चलिए मैं यहां पे ओशियन बनाता हूं, ठीक है। ये हो गया ओशियन का एक छोटा सा पॉइंट, यहां पे हमने आपको कर लिया है। अब हम जरा साइक्लोन का निर्माण की बात करते हैं। देखो ये साइक्लोन का निर्माण है, ये साइक्लोन है जो ओशियन पे बना है, ओशियन के बड़े क्षेत्रों में बना है। साइक्लोन का किलोमीटर, मैंने जैसे कहा कि 30-35 किलोमीटर से 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर का परिधि हो सकता है किलोमीटर में, ठीक है। चलिए और इसका स्पीड 50-60 से लेकर 250-300 किलोमीटर के बीच में हो सकता है। सेंटर इसका एलपी जोन होता है, ये भी बात आप जानते हैं, यानी कि सेंटर हमेशा क्या होगा, लो प्रेशर जोन, बाहर में इसका हाई प्रेशर जोन है। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये कुछ इस तरीके से साइक्लोनिक एक्टिविटी में पॉइंट क्या बनता है, यहां पर देखो ये बादल का निर्माण करती है बाहर में, चूंकि ये अपने साथ बारिश भी कराती है तो ये बादल का निर्माण करती है इस जगह पे, इस जगह पे बादल का निर्माण करती है। और हवाएं चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो देखो यहां पे किस तरीके से हम हवाओं को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, ये हवाओं को हम नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। तो ये जो हवाएं नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है ये दरअसल ऊपर, तो यहाँ पे एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हमने बताया था क्या क्वेश्चन बनते हैं कि साइक्लोनिक एक्टिविटी में हवाएं कहां से आती है, तो बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर की तरफ। तो ये जो मैंने बैगनी कलर में यानी वायलेट कलर में बनाया, ये बाहर से अंदर की तरफ हवाएं नीचे आ रही है, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। और ये यहां पे बादल है, तो मैं यहां पे आपको कुछ नाम कर दूं, ये आपका क्लाउड है और ये विंड है, विंड है। और ये जो बीच का एरिया जहां पे आपको साइक्लोन की एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड आई ऑफ साइक्लोन, आई ऑफ साइक्लोन। और साइक्लोन जो कि समुद्री समुद्र पे निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है, तो समुद्र चूंकि गर्म होने के बाद जब वाष्पीकरण होती है तो वाष्पीकरण होने के बाद कंडेंसेशन का भी पॉइंट होता है। वाष्पीकरण होने के बाद क्या होता है, ऊपर जाती है, बादल का निर्माण करती है और कंडेंसेशन होता है। तो जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है और कंडेंसेशन होता है तो गुप्त ऊष्मा आपने पढ़ा होगा लेटेंट हीट, ये क्या होता है, तो वाष्प किसी भी पानी के, पानी को वाष्प बनने में जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसको लेटेंट हीट कहते हैं उस वाष्पीकरण का, ठीक है। तो जब वो बादल बन के कंडेंस हो जाता है, बारिश के बूंदों में कंडेंस होने की कोशिश करता है, तो वहां से लेटेंट हीट रिलीज होता है। अब चूंकि एक दो बूंद तो नहीं है,
पूरा का पूरा सागर यहाँ पे क्या बोलते हैं, बादल के निर्माण के प्रक्रिया में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे हैं यहाँ पे बूंदे, बहुत सारे हैं। तो वो जो लेटेंट हीट रिलीज होती है कंडेंसेशन के बाद, यानी संघनन के बाद जो गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है, वो गुप्त ऊष्मा और ज्यादा वहां आसपास के एटमोस्फेयर को गर्म कर देती है, यानी कि आसपास के वातावरण क्या करती है, गर्म कर देती है। इससे क्या होता है कि चक्रवात बनने में वो और ज्यादा सहायक होता है, यानी कि साइक्लोन को बनने में क्या होता है, वो और ज्यादा सहायता करता है। तो इसलिए साइक्लोन के इनर्जी के रूप में जो कहते हैं कि सोर्स ऑफ इनर्जी, जिसको बोलते हैं सोर्स ऑफ इनर्जी, वो है, सोर्स ऑफ इनर्जी इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा जो है ना, वो साइक्लोन के इनर्जी का सोर्स है, स्रोत है, क्योंकि वही गुप्त ऊष्मा साइक्लोन को बनने में और ज्यादा क्या बोलते हैं, सहायता करते हैं। और साइक्लोन और ज्यादा बड़ा होते जाता है और मजबूत हो जाता है और ज्यादा डेंजरस होते जाता है और उसमें स्पीड और बढ़ते चला जाता है। जितना लेटेंट हीट बनेगा उतना ही ज्यादा साइक्लोन की जो क्षमता है वो बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। और जब बहुत ज्यादा ये मजबूत हो जाता है तो इसमें एक स्पीड होती है, और चूंकि बादल का निर्माण करता है साथ साथ बारिश भी कराते हुए चलती है बादल को लेकर के। आप देख रहे हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन है येलो कलर में और जो वायलेट कलर में वो एयर मास नीचे की तरफ आ रही है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि विंड हमेशा ऊपर से नीचे की, फ्रॉम अप टू डाउन, विंड फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, चलिए। और अब चूंकि ये साइक्लोन ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में है, तो ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में होने के कारण क्या होता है कि वो बहुत तेजी से पूर्व से पश्चिम की दिशा में आती है, बहुत तेजी से पूर्व से पश्चिम की दिशा में आएगी। और जब पूर्व से पश्चिम की दिशा में आएगी तो यहाँ पे कोस्ट है, भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पे कोस्ट है जो कि उड़ीसा का कोस्ट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कोस्ट है, तमिलनाडु का कोस्ट है, ये भारत का कोस्ट है मान के चलिए। तो भारत के कोस्ट से ये टकराएगी कोस्टल एरिया में, और चूंकि इसमें स्पीड बहुत ज्यादा है, अब ये तय होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा, ये साइक्लोन के बनने के हिसाब से उसकी स्पीड तय होगी, जितनी मजबूत साइक्लोन उतना ज्यादा स्पीड। तो वो कोस्ट से टकराती है इस तरीके से आकर के और कोस्ट पे भारी तबाही करती है, और चूंकि साथ में बादल का निर्माण करते हुए आ रही है तो बारिश भी बहुत ज्यादा करती है। इसलिए आप देखिएगा कि हर साल उड़ीसा के तट पे और क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश के तट पे बहुत तबाही आती है, और गवर्नमेंट इससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय निकालते रहते हैं समय समय पर। हालांकि उड़ीसा गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत ज्यादा शाबाशी भी दी जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों को ऐसा ईजाद किया है, टेक्निकली बहुत सारे चीजों को क्या बोलते हैं वहां पे रखा है टेक्निकल तरीके से कि हम साइक्लोनिक एक्टिविटी से ज्यादा अपने लोगों को सुरक्षित कर सके, वहां तेजी से बाहर निकाल सके, ये सारी बातें, ठीक है, चलिए। तो जब वो तट से टकराती है तो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाती है। लेकिन पॉइंट यहां पर ये है कि इसका ऊर्जा क्या है, लेटेंट हीट, और तट पे यानी कि कोस्ट पे तो उसको ऊर्जा लेटेंट हीट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो लैंड मास पे आ गया। और ये देखो ये ओशियन, लेकिन ये तो लैंड मास है, यानी ये तो जमीन है। तो जैसे ही ये चक्रवात जमीन की तरफ आती है यानी यहां पर आती है, वैसे ये कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, यानी कि चक्रवात क्या हो जाती है, कमजोर कहां हो जाती है, जमीन पे आने के बाद। ये भी वीवीआई एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी वीवीआई है एग्जाम का क्वेश्चन है, और ये भी वीवीआई है एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। और ये एलपी जोन वाला तो वीवीआई है ही एग्जाम का क्वेश्चन। तो जैसे ही तट पे पहुंचती है ये चक्रवात क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको लेटेंट हीट नहीं मिल पाता है। लेटेंट हीट उसको कहां मिलेगा, उसको मिलेगा समुद्र पे, जमीन पे लेटेंट हीट कहां मिलने वाला, उसका नहीं मिलेगा ना। तो जब नहीं मिलती है तो ये कमजोर हो जाती है, और लैंड मास पे यानी कि जमीन पे कोस से टकराने के बाद वो कमजोर हो जाती है, और थोड़ा बहुत अंदर जाने के बाद 150 किलोमीटर 25 किलोमीटर अंदर जाते ही वो क्या होता है, समाप्त हो जाती है। तो पॉइंट समझिएगा कि यहां पे एग्जाम का क्वेश्चन पूछिए कि चक्रवात कब कमजोर हो जाता है, तो तट से टकराने के बाद, या ऑप्शन होगा जमीन पे जाने के बाद, या ऑप्शन होगा लैंड मास में इंटर करने के बाद, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। चक्रवात समाप्त कमजोर हो जाती है और थोड़ा सा अंदर जाने
जाने के बाद वो समाप्त भी हो जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि चक्रवात कहां समाप्त हो जाती है, तो जमीन पे, ठीक है, या चक्रवात कब समाप्त हो जाती है, तो जब वो जमीन से टकराती है या कुछ से टकराती है। तो किसी तरीके का क्वेश्चन आए, इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जैसे ही चक्रवात जमीन से टकराएगी कमजोर हो जाएगी और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसको लेटेंसी वहां पे मिलेगा नहीं, ये बात आप समझ लीजिएगा। इसलिए आप देखिएगा, अब मैं एग्जांपल आपको देकर चलता हूं, इसलिए आप देखिएगा कि जब उड़ीसा के तट से या तमिलनाडु के तट से या आंध्र प्रदेश के तट से, बंगाल के तट से, पश्चिम बंगाल के तट से टकराती है क्या बोलते हैं चक्रवात, तो तबाही तो कोस्टल एरिया पे लाएगी लाएगी, और चूंकि बादल का निर्माण किया तो बारिश तो करेगी, और बारिश वो 100 किलोमीटर अंदर तक जा सकता है, क्योंकि हवाओं के रफ्तार में जो बादल है वो 50-100 किलोमीटर अंदर तक चलाता है, इसलिए वो बारिश का इन्फ्लुएंस कोस्टल इलाका से, यानी कि स्टर्न जो कोस्टल इलाका है भारत का, उससे 100-150 किलोमीटर अंदर तक रहती है। इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है, लेकिन चक्रवात का जो इन्फ्लुएंस होगा वो 150 किलोमीटर के अंदर तक कमजोर होगा, एकदम कम होगा, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा, हवाएं आपको लगेगी कि हाँ चली है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान या बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी उसके लिए, क्योंकि वो कमजोर पड़ चुका है और अपने अंतिम स्थिति में है, मरेगा भी, यानी कि ये समाप्त हो जाएगा चक्रवात। तो चक्रवात कब समाप्त होता है, लैंड मास पे, ठीक है, और अपने साथ बारिश लेके आती है, ये बादल है, हवाएं देख रहे हैं किस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक क्या बोलते हैं मैप था। चक्रवात के आई के बारे में बात किया, आई ऑफ साइक्लोन क्या होता है, कालमैन क्लाउडलेस, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है, वीवीआई कालमैन क्लाउडलेस होता है, ये बात बताया। अब मैं फिर से एक बार मैप पे चलता हूं, इस मैप पे, तो हमने आपको क्या देखो, यहां पे चक्रवात बना और ये यहां पे टकराएगा, इस जगह पे जैसे ही टकराएगा ये क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, यहां पर इस जगह पर आते आते कमजोर हो जाएगा, कमजोर यानी उड़ीसा में बारिश कराएगा, उड़ीसा का बगल में छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा बारिश कराएगा, और छत्तीसगढ़ में हवाओं की इन्फ्लुएंस बहुत कम होगी, और आप क्या बोलते हैं एमपी तक की तो सोच नहीं सकते कि वहां बारिश या हवाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, थोड़ा बहुत छिटपुट हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ बारिश करा सकती है, हवाएं तेज चल सकती है, लेकिन ये कमजोर होगी, मजबूत नहीं होगी, कमजोर मजबूत के रूप में कोस्टल तक ही रहेगी, यानी कि उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के इलाकों में ही तबाही लाएगी, अंदर तक जाते जाते ये कमजोर हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये इसका इन्फ्लुएंस 150 किलोमीटर अंदर तक रहता है, जो कमजोर रहता है। यहाँ पर हरा है यानी कि मजबूती दिखा रहा है, मैं यहाँ पे हरा और येलो से ये मत समझिएगा कि येलो मजबूत है, नहीं, यहाँ पे हरा को मजबूत कह रहे हैं और येलो को हम कमजोर कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात का है। अब जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है उसको थोड़ा सा एक बार आपके साथ डिस्कस कर ले, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सबसे पहला पॉइंट जो हमने यहां पे बताया वो क्या था कि साइक्लोन डेवलप इन द रीजन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिकल कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ये बात तो हमने आपको समझा दिया है। फिर हमने कहा था कि भारत में कब डेवलप होता है, तो अप्रैल और नवंबर में, ये बात आप देख लीजिएगा, और ये सोचने की बात है कि हमारे यहां चक्रवात कब आता है, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि संघनन का जो गुप्त ऊष्मा होता है वही, ये बात हमने आपको बताया कि किस तरीके से बादल का निर्माण होगा, क्या बोलते हैं संघनन होगा और फिर लेटेंट हीट रिलीज होगी जो कि और ज्यादा चक्रवात को मजबूत करता है, ये बात हमने आपको बताया। उसका डायमीटर रेंज कितना होता है, तो 80 से 300 किलोमीटर, मैंने 30 से 300 या 200 बताया, 80 से 300 यानी कि चक्रवात के ऊपर डिपेंड करता है, कमजोर चक्रवात है तो 80, 85, 100, 150, बहुत मजबूत है 300 किलोमीटर तक इसकी परिधि हो सकती है। इसका मूवमेंट क्या होगा, तो क्या बोलते हैं ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस के कारण ईस्ट टू वेस्ट होगा, सॉरी मोमेंट ईस्ट टू वेस्ट होगा ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस के कारण, ये बात हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, इट बिकम वीक, यहां पे पॉइंट देखिए जो मैंने आपको समझाया, ये कमजोर हो जाता है कब, मूविंग ऑन लैंड, जब जमीन पे ये मूव करता है तो ये क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और इट्स इफेक्ट कोस्टल एरिया ऑफ कंटिनेंट आई उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, किसी भी कंटिनेंट के कोस्टल एरिया को ये इन्फ्लुएंस करता है। अब भारत चूंकि अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो इसके कोस्टल एरिया को इन्फ्लुएंस करेगा, और चूंकि इसका मूवमेंट आप देख रहे हैं कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है, तो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हुए भारत का स्टर्न जो कोस्ट है वो मिलता है, और वो है उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का कोस्ट, पश्चिम बंगाल का कोस्ट जो कि मेरे यहां से छूट गया, तो वेस्ट बंगाल भी आप वहां पे लिख लीजिएगा, यहीं पे ये तबाही लाती है। तो ये था आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, उससे पहले था वो टेम्परेट साइक्लोन जिसके बारे में हमने बात किया। ट्रॉपिकल साइक्लोन से आपके ज्यादा एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अलग अलग जगहों पे साइक्लोन को क्या क्या नाम दिया गया है वो पॉइंट हमने यहां पे लिखा है। तो देखिएगा, भारत में इसे साइक्लोनी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम विली विली है,
यूएसए में इसका नाम हरिकेन है, चाइना में इसका नाम टाइफून है, जापान में इसका नाम टाइफू है, ये एक ही तरीके का है, यूएसए में इसका नाम टॉर्नेडो है। दरअसल हरिकेन और टॉर्नेडो को लेकर के कैरेबियन सी में भी इसको टॉर्नेडो कैरेबियन सी में कहा जाता है टॉर्नेडो। तो जो लैटिन अमेरिकी कंट्रीज है वहां पे इसको टॉर्नेडो कहा जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान में आप रखिएगा, इसको साइक्लोन, विली विली, हरिकेन, टाइफून, टाइफू, टॉर्नेडो, और टॉर्नेडो और हरिकेन को एक बार मेरी तरफ से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन लैटिन अमेरिकी कंट्रीज भी आया है, तो कहीं गलत ना हो जाए, मैं गलत ना हो जाऊं, तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे, यूएसए के हरिकेन और यूएसए के टॉर्नेडो को, प्लीज मैं आपके से रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये साइक्लोन के कुछ नाम थे, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो साइक्लोन का हमने आपको यहां पे ये फिगर बताया, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम के आते हैं। तो यहां पे हम साइक्लोन को रोकते हैं, आपने टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल दोनों साइक्लोन को देखा, दोनों के एरिया के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, दोनों के बनावट को हमने देखा कि किस तरीके से बनते हैं, वहां पे हमने मैप पे भी आपको दिखा दिया था बनावट कि गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से बनती है, और यहां पे हमने बता दिया कि समुद्रों पे साइक्लोन का निर्माण होता है जो कोस्टल इलाका पे आते आते कमजोर हो जाता है। तो अब इसको हम रोकते हैं, थैंक यू वेरी मच, आप एग्जाम का क्वेश्चन बनाइए, अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, थैंक यू।